हाय विजय बारी, कैन यू सी एंड हियर मी क्लियरली? आई एम योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की पूरी सिविक्स, यानी कि पूरी पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन। आज मैं आपको सिविक्स के सारे चैप्टर की चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी भी देने वाली हूँ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने टाइम में आपकी थ्योरी होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कितने टाइम में आपके क्वेश्चन होने चाहिए, ऑल ऑफ दैट। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन। और ऐसा ही मैंने हिस्ट्री का सेशन करा दिया है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बहुत जल्दी आ रहे हैं। नाउ बिफोर वी बिगिन द सेशन, एक बार लाइव चैट ज्यादा से अटेंडेंस दे दो सो दैट आई नो यू आर प्रेजेंट, यू कैन हियर मी, आई एम विजिबल, ऑडिबल, बिकॉज योर टीचर इज वेरी टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड, सो प्लीज हेल्प मी आउट हियर। दिखाई दे रही हो? थैंक यू रोनित, हाय वेदिका, हाय ज्योत्सना, हाय 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 सबको, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी आयुषी, प्रिंट कल्चर का भी वन शॉट जरूर दूंगी, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी वन शॉट दूंगी 30 मिनट्स वाला। चलो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, पावर शेयरिंग वाला। अपना छोटू सा चैप्टर है पावर शेयरिंग वाला। देखो सिविक्स में हम हिस्ट्री में आपको हमेशा बोलते हैं कि नोट्स के साथ साथ आपको वन शॉट वीडियोज भी देखनी पड़ेंगी, या नोट्स के साथ हो सके तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, या तो वन शॉट या एनसीईआरटी की रीडिंग। लेकिन सिविक्स हमारी ऐसी है कि जिसमें क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे ना उससे ज्यादा नंबर बनने की उम्मीद है आपकी। तो आप थ्योरी पे सिर्फ 30 मिनट्स लगाओ पावर शेयरिंग में, छोटू सा चैप्टर है अपनी, एनसीईआरटी रीड करने का मन है कर लो, बट सबसे अच्छा है कि नोट्स देख लो या वन शॉट वीडियोस देख लो। छोटी वाली देखना वन शॉट वीडियोस, 4-4 घंटे वाली अभी देखने का टाइम नहीं है, आपने एकेडमिक ईयर की स्टार्ट में देख ली थी तो वेल एंड गुड। साथ में आपको लगाने हैं क्वेश्चन। देखो मैं थ्योरी से ज्यादा टाइम यहाँ पे क्वेश्चन को दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन ही आने हैं। अच्छा चैप्टर वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट मेजोरिटेरियन एटीट्यूड कैसे रखती थी इस पे 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे श्रीलंका के बिल्कुल ऑपोजिट अकोमोडेशन दिखाया था अपनी एथनीसिटी के लिए, वो आ सकता है 3-4 नंबर का। देन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अलग अलग है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक पे भी आ सकता है या ओवरऑल टॉपिक पे भी आ सकता है। देन पावर शेयरिंग के दो छोटे छोटे रीजन है, एक डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट वाला, सॉरी पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वाला, एक प्रूडेंशियल वाला, तो वो भी आपको रीजन पता होना चाहिए। 3 मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में 2 पॉइंट काफी है उसमें, क्योंकि पॉइंट्स ही 2 बनते हैं, बस ऊपर नीचे एक छोटा छोटा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख के आ जाना। चलो जी पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पावर शेयरिंग में हम 2 कंट्रीज पढ़ते हैं, एक बेल्जियम पढ़ते हैं, एक श्रीलंका पढ़ते हैं। अब देखो दोनों ही कंट्रीज बहुत छोटे हैं, हमारी हरियाणा की जो स्टेट है ना इससे भी छोटा इनका साइज है, और पॉपुलेशन भी लगभग हरियाणा या हरियाणा से कम होगी, तो मतलब हम इतने छोटे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कंट्रीज है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज में आपने आपको एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अभी एथनिक क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है कल्चर, जब किसी अलग अलग समुदाय की भाषा अलग हो, पहनावा अलग हो, रहने सहने का ढंग अलग हो और पुराना ट्रेडिशन अलग हो, तो आप बोल सकते हो कि वो डिफरेंट एथनिसिटीज को बिलोंग करते हैं। तो बेल्जियम में 2 मेजर ग्रुप थे, एक बोलते थे डच भाषा और दूसरे बोलते थे फ्रेंच भाषा, आज भी हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, बट अभी आप इसको इग्नोर करो, डच और फ्रेंच पे आप ध्यान दो। अब देखो बेल्जियम में ओवरऑल जो है डच लोग मेजोरिटी में, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है बेल्जियम की राजधानी यानी कि ब्रसेल में, जहां पे फ्रेंच लोग मेजोरिटी में है। तो अगर डच लोग अपना मेजोरिटेरियन एटीट्यूड दिखाएंगे ओवरऑल बेल्जियम में, तो ब्रसेल्स के अंदर फ्रेंच लोग भी फिर वो दिखा सकते हैं। और इसी की वजह से ना दोनों कम्युनिटीज के बीच में थोड़े से तनाव होने शुरू हो गए थे 1950s और 1960s में। अब आगे क्या हुआ वो मैं आगे बताती हूँ, पहले श्रीलंका का देख लेते हैं। श्रीलंका में मेजरली 2 भाषाएं बोली जाती है, एक सिन्हाला बोली जाती है, एक तमिल बोली जाती है। सिन्हाला बोलने वाले लोग बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी में, मतलब 74% श्रीलंका सिन्हाला बोलता है, और ये सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और तमिल बोलने वाले लोग या तो क्रिश्चियन हैं, या तो हिंदू हैं, या तो मुस्लिम हैं। एक्चुअली कुछ क्रिश्चियन हैं जो सिन्हाला भी बोलते हैं, बट अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, हम ध्यान देंगे कि सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं और तमिल बोलने वाले लोग जो है हिंदू या मुस्लिम है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक तो लैंग्वेज का भेदभाव है और दूसरा रिलीजन के नाम पे भी बहुत डाइवर्सिटी है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि श्रीलंका जब आजाद हुआ 1948 में, तो सरकार बनी, डेमोक्रेसी बनी, सरकार को करना क्या चाहिए था, मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए था, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी तो सबकी होती है, मेजोरिटी की तो सिर्फ होती नहीं है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने दिखाया मेजोरिटेरियन एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि वो जो सरकार जो भी काम करती थी, जो भी प्रोविजंस बनाती थी, प्रोग्राम्स या जो भी काम किया करती थी
बेसिकली जो भी डेवलपमेंट करती थी वो सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए करती थी, सिन्हाला बोलने वाले लोगों के लिए करती थी, तमिल लोगों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करती हुई जा रही थी। अब ऑब्वियसली तमिल लोगों को बुरा लगेगा, 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया श्रीलंका का। अब सिर्फ सिन्हाला को बोला गया, तमिल को डिसरिगार्ड लगा। दूसरी बात, सिन्हाला जो है गवर्नमेंट जॉब में चाहे यूनिवर्सिटी की पोजीशन में सिन्हाला बोलने वाले कैंडिडेट्स को प्रोविजन मिलती थी, या फिर आप बोल सकते हो प्रायोरिटी मिलती थी। तो यहाँ पे भी तमिल बोलने वाले लोगों को लगता था हम तो इकोनॉमिकल भी पिछड़ जाएंगे। फिर नया संविधान बना दिया थोड़े दिनों बाद आजादी के, और वहां पे बुद्धिज्म को फॉस्टर यानी कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने का एक नया प्रोविजन बना दिया संविधान में। तो भाई आप रिलीजन भी सिन्हाला बोलने वाले लोग का ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, हिंदूज और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे बाकी सारी कम्युनिटीज को, स्पेशली तमिल बोलने वाली कम्युनिटीज को थोड़ा 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 एलियनेटेड फील होना शुरू हो गया। एलियनेटेड का मतलब, एलिनेटेड का मतलब है कि उन्हें ऐसा लगता था ये हमारा देश ही नहीं है क्या, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर, हमारा संविधान, हमारी सरकार हमारी बातें ही नहीं सुनती। तो धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी भी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी चाहिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी चाहिए जॉब्स वगैरह में। सरकार ने कोई बात ही नहीं सुनी। तो 1950s और 1960s में तो ये नॉर्मल डिमांड मांगते थे तमिल बोलने वाले लोग कि हमें इक्वालिटी दे दो हर तरीके की। लेकिन जब उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो 1980s में जाके उन्होंने सेपरेट इलम यानी कि सेपरेट तमिल इलम, उन्होंने बोला कि तमिल बोलने वाले लोगों को अलग ही कर दो ना, फिर तुम्हें जब सिन्हाला बोलने वाले लोगों को ही सिर्फ फेवर करना है तो फिर अपना देश अलग बनाओ, हमें सेपरेट कर दो। और इसी की वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा अलगाव बढ़ता गया और धीरे धीरे देखते देखते सिविल वॉर तब्दील हो गई। और सिन्हाला में ये, सिन्हाला नहीं, श्रीलंका में सिविल वॉर बहुत सारे सालों तक चली, 2009 में जाके खत्म हुई। बहुत सारे लोग मर गए, तमिल बोलने वाले भी मर गए, सिन्हाला बोलने वाले भी मर गए, कितने लोग रिफ्यूजी बन गए। LTTE जिसे आप लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जो कि एक गुरिल्ला ऑर्गन है, मतलब थोड़ी सी मिलिटेंट ऑर्गन है, वो भी इसी का ही एक रूप थी, क्योंकि तमिल बोलने वाले लोगों को उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी तो LTTE की भी फॉर्मेशन हुई, राइट, 1976 में बनी थी। चलो अब बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, बेल्जियम ने डच बोलने वाले लोगों और फ्रेंच बोलने वाले लोगों दोनों को खुश करने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने 23 सालों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए, बदलाव हर बदलाव के साथ उन्होंने इक्वालिटी लाने की कोशिश की। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की, यानी कि पूरे कंट्री लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जो कंट्री लेवल की गवर्नमेंट होती है उसमें डच लोग मेजोरिटी में थे, लेकिन कंट्री लेवल की गवर्नमेंट में इन्होंने क्या कर दिया कि फ्रांस की भाषा बोलने वाले यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले लोगों को इक्वल मेंबरशिप दे दी। तो वहां पे दोनों कम्युनिटीज खुश हो गई। फिर ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल में भी दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम में वो कम मानी जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर, तो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर किया गया। देन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो हर भाषा के ऊपर अपना हक जमाती थी। मान लो जब आप जर्मन भाषा बोलते हो तो जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग, फ्रेंच बोलने वालों की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग, और एक तरीके से डच बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होना था कि भाषा से रिलेटेड जो एजुकेशनल या कल्चरल या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है उन पे वो डिसीजंस लेगी, लेकिन इसमें इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लेती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये ना 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड डिसीजन लेती है, और तीनों भाषाओं की अलग अलग है। तो ये अलग 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 तरीके के प्रोविजंस करके बेल्जियम ने श्रीलंका जैसा काम नहीं किया। और हमने इन दोनों कहानियों से सीखा कि जहां पे पावर शेयर की गई वहां पे आई कॉन्फ्लिक्ट ना आया, और ऊपर से वहां पे प्रॉस्पेरिटी आई, खुशहाली आई, और जहां पे पावर शेयर नहीं की गई श्रीलंका में वहां पे सिविल वॉर हो गई। इसीलिए बोलते हैं कि पावर शेयरिंग 2 कारणों की वजह से डिजायरेबल है। एक कारण है कि देखो भाई डेमोक्रेसी है क्या, क्यों दुनिया में डेमोक्रेसी आई? दुनिया में डेमोक्रेसी इसीलिए आई ना क्योंकि पहले जो है डिक्टेटरशिप चलती थी, राजा का राजपाट, मोनार्की चलती थी। अब मोनार्की तो किसी से पूछ के नहीं होती थी, कोई वोट थोड़ी देता था कि ये इंसान राजा बनेगा, ये इंसान रानी बनेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। जो एक ही खानदान के लोग होते थे वही बार बार राजा रानी बनते थे। लेकिन हम चाहते थे, धीरे धीरे कंट्रीज ऐसी इवॉल्व हुई कि लोग चाहते थे कि हम जो सरकार चुने वो सरकार बने। तो हमारी इच्छा और हमारा डिसीजन बहुत मैटर करता है, सिटीजन्स का डिसीजन, राइट। और डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो मतलब कि सिटीजन्स के हाथ में पावर ही नहीं है। जब सिटीजन्स के हाथ में पावर ही नहीं है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है कोई, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग एक उसका वैल्यूबल कंपोनेंट है, उसकी स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। दूसरा रीजन, हम समझदार लोग हैं, हमने ना बहुत देशों में देखा है कि जहां पे पावर शेयरिंग नहीं होती है, श्रीलंका जैसे देशों में, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, दंगे हो जाते हैं, सोसाइटी में अलगाव हो जाता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं डेमोक्रेसी में सब एकजुट रहें, है
है ना, सब यूनाइटेड रहे। इसीलिए प्रूडेंशियल मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखे हुए रीजंस के साथ में पता है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कर देनी चाहिए अगर आपको खुशहाली चाहिए जिंदगी में तो। ठीक है, तो ये तो हो गए दो रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट डिफरेंट है। पहले हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में आते हैं गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स। दुनिया की मेजॉरिटी डेमोक्रेसी में आपको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट सारी डेमोक्रेसीज में देखने को मिलेगी। इसमें आती है जुडिशरी बच्चा, जुडिशरी यानी कि न्यायालय है ना, जो न्याय का जस्टिस, दे टेक केयर ऑफ द जस्टिस। देन इसमें आते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि मिनिस्टर्स वगैरह। और इसमें एग्जीक्यूटिव भी आता है। एग्जीक्यूटिव में जैसे हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं, गवर्नर्स वगैरह भी आते हैं। हर देश के एग्जीक्यूटिव का सिस्टम अलग होता है, बट जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये आपको मोस्टली डेमोक्रेसीज में देखने को मिलेगा। और इसमें से कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी कम इंपॉर्टेंट है, नहीं, तीनों की अपनी जगह है। तीनों में बैलेंस ऑफ पावर है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है। अगर कोई ज्यादा हुड़दंग मचाता है इन तीनों ऑर्गन में से, तो बाकी दो ऑर्गन मिलकर उसे डांट डपट लगा देते हैं, क्योंकि इनमें जो शक्तियां हैं, पावर है, वो इक्वली डिवाइडेड है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। दूसरा है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसे बोला जाता है फेडरल पावर शेयरिंग। फेडरल पावर शेयरिंग में आप क्या करते हो कि एक यूनियन गवर्नमेंट बनाते हो और बाकी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाते हो। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में दो लेवल्स तो होते ही होते हैं। हमारे देश में वर्टिकल पावर शेयरिंग में तीन लेवल है, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, है ना। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में जितना मर्जी आप कह लो कि इक्वालिटी है, ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है। हॉरिजॉन्टल में ऐसा कोई पंगा नहीं था, सबके पास इक्वल पावर थी। देन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कभी कभी आपकी कंट्री की ऐसी जरूरत होती है कि आपको कुछ सोशल ग्रुप्स को एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ती है। जैसे हमारी कंट्री में अगर हम किसी किसी कास्ट को अगर रिजर्वेशन देते हैं, तो वो इसलिए थोड़ी देते हैं कि हम सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ जो कल्चरली और ट्रेडिशनली जिन कास्ट ग्रुप को दबा के रखा हुआ है, भाई उनको भी आगे आने का मौका मिले, तो इसलिए हमने रिजर्वेशन दिया। जैसे कि अब मान लो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो वो इसलिए थोड़ी थी कि यार लैंग्वेज आपस में लड़ती रहे, नहीं, चाहते थे कि लैंग्वेज के लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने में और उसके प्रति जो भी उन्हें डिसीजन लेने हैं उसमें रिस्पेक्टफुल फील हो, इसलिए हमने वहां पे बनाई थी। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कभी कभी कंट्री के रिक्वायरमेंट के मुताबिक देनी पड़ती है पावर। देन वी हैव प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। इसका पूरा एक चैप्टर था, वो हट गया है। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स का मतलब होता है कि कभी कभी डेमोक्रेसी की अपनी ही चुनी हुई सरकार जो है ना, आपकी बात सुनने से इनकार कर देती है या आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है, तो फिर धरने पे बैठना पड़ता है, मूवमेंट निकालनी पड़ती है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कभी कभी अपने आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के सरकार पे प्रेशर डालना पड़ता है, जिसे आप प्रेशर ग्रुप बोलते हो। ये सारी टैक्टिक्स हैं सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हमारी सरकार ना, हमारी बात नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी, राइट? और फिर है एक पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कई कई देश, स्पेशली उन देशों में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया, वहां पे क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मेजोरिटी से जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज की कि लोगों के वोट बहुत बट जाते हैं। भाई एक ही चॉकलेट मार्केट में मिलती है तो वही खरीदोगे, लेकिन बहुत सारी चॉकलेट मिलती है तो किसी को किटकैट पसंद है, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है, किसी को फरेरो रोशे पसंद है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के केस में कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलकर अलायंस बना के गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है, विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये तो हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरे चैप्टर पे चले, एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? आयुषी, पेन से तो डायग्राम नहीं बनाते हमेशा बोर्ड एग्जाम में, पेंसिल से ही बनाते बच्चा। मैम इसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है? नॉट रियली, पढ़ना हो तो दो चार डेफिनेशन पढ़ लेना, बट ये मैं आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यू लुक लाइक घूमी पेट निकल है जी, थैंक यू जी। चलिए फेडरलिज्म पढ़े। फेडरलिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो कई बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, कई बच्चों को बहुत ईजी भी लगता है। अगर आपको ईजी लगता है तो वेरी नाइस, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर फॉलो कर लेना। पहली बात तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन पता होना चाहिए। फेडरलिज्म और यूनिटरी मेथड के बीच का क्या डिफरेंस है, उसको दो दो तीन तीन पॉइंट पढ़ लेना।
फीचर्स पता होने चाहिए फेडरलिज्म के, कुछ 5-6 फीचर्स हैं आपकी किताब में, वो सारे फीचर्स पता होने चाहिए। फेडरलिज्म के 2 टाइप हैं, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, इन पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये भी पता होना चाहिए। इंडिया को फेडरल क्यों बोलते हैं, भाई हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट है, हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे पास 3 तरीके की सरकार है, यूनियन, स्टेट, लोकल, ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना। हाँ, फेडरलिज्म, हाउ कैन बेसिस ऑफ फेडरलिज्म भी चेंज, फेडरलिज्म को अगर बदलना है संविधान में तो कैसे बदल सकते हो, उसके 2 स्टेप है, मैं अभी पढ़ाऊंगी, वो पढ़ लेना। लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमने क्यों बनाई थी, उसका क्या आउटकम हुआ। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, हमने क्यों बनाई थी, उसमें चेंजेस क्यों लाए थे। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप 1990 से पहले कैसे थे, 1990 के बाद कैसे थे। डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और गाँव में किस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है और शहरों में किस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन के हमारे देश में क्या फायदे देखने को मिले हैं, क्या नुकसान देखने को मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी में इस चैप्टर की आप 45 मिनट से ऊपर स्पेंड मत करना, 45 मिनट्स इज इनफ, और यू कैन स्पेंड मैक्सिमम 1 आवर इफ यू वांट टू, इफ यू रीड वेरी स्लोली यू कैन स्पेंड 1 आवर। आइदर वॉच अ 1 शॉर्ट वीडियो, या तो किसी टीचर की 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, या फिर आपके पास इस चैप्टर के नोट्स हैं तो पढ़ लीजिए। दोनों चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है देन यू कैन गो फॉरवर्ड, बट टाइम लिमिट को याद रखना है। साथ में आपको सवाल लगाने हैं, सवाल आपको 30 से 45 मिनट में दे रही हूँ, इसमें assertion and reasoning भी होनी चाहिए। मेरे ही चैनल पे आपको सारे SST के, literally पूरी SST के जितने कार्टून्स हैं, जितने डायग्राम्स हैं, जितनी इमेजेस हैं, उन सबकी एक लेक्चर अवेलेबल है, उसका लेक्चर का लिंक बोलोगे तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी क्लास के बाद, वो लेक्चर जरूर देख लेना। तो उससे क्या होगा कि सिविक्स में से जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, साथ में हिस्ट्री से भी जो आए हैं, हमारे प्रैक्टिस पेपर में बड़े सारे सवाल आए हैं, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी पे 45 मिनट्स, क्वेश्चन पे भी 30-45 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू फाइंड द चैप्टर। चलो फेडरलिज्म स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर शेयर करना वर्टिकल तरीके से, यानी कि आप सरकार के 2 लेवल बना लेते हो। अब ऊपर वाली सीढ़ी हमेशा नीचे वाली सीढ़ी से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा ऊंची होती है ना। सिमिलरली फेडरल स्ट्रक्चर में आप 2 लेवल ऑफ सरकार बनाते तो हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख मांगती है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, थोड़ी सी ज्यादा सेंट्रल के पास ज्यादा होती है। इंडिया और यूएसए इसके एग्जांपल्स हैं, साथ में स्पेन है, बेल्जियम है, ये सब फेडरल कंट्रीज है। यूनिटरी मेथड होता है जहां पे ये वर्टिकल पावर शेयरिंग नहीं होती है, वहां पे सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे आप यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट बोल सकते हो। अगर दूसरा लेवल होता भी है तो उसके पास में कोई पावर नहीं होती है, वो नॉमिनल फिगर होता है एक तरीके से, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी देश में है भी लेकिन उस स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं है, तो आप उसे फेडरल नहीं बोल सकते, फिर आप उसे यूनिटरी बोलोगे, ठीक है। जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि चाइना, खैर चाइना को तो डेमोक्रेसी में ही नहीं काउंट करना चाहिए, वहां तो 1 पार्टी सिस्टम है, बट चलो कोई नहीं, यहाँ लिखा है तो लिखा है। अब फेडरलिज्म के फीचर बता देती हूँ मैं, पहला तो वही आपने डेफिनेशन में से निकाल लिया, दैट अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज 2 or more लेवल इज नोन एज अ फेडरल गवर्नमेंट। नॉट ऑल डेमोक्रेसीज हैव इट, प्लीज मार्क माय पॉइंट, ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज फेडरल है, नहीं, कुछ यूनिटरी भी है, राइट। अब दूसरा फीचर ये है कि ये जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या हमारे देश के केस में जो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उन सबके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग लीगल अथॉरिटी होती है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अलग अलग लीगल अथॉरिटी है। ये लीगल अथॉरिटी उन्हें कौन देता है, संविधान देता है, संविधान बताता है कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या काम होगा, संविधान के अलावा किसी की बात नहीं सुननी है, ठीक है। संविधान इज द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। देन जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं फेडरलिज्म के, मतलब कि आपको फेडरलिज्म में कोई चेंजेस लाने हैं तो कोई भी सरकार अकेले नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती फेडरलिज्म को चेंज, उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो हमारे कोर्ट्स हैं देश के, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, उनके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का असली मतलब समझाएंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकती, वो नहीं बता सकती कि भाई इस आर्टिकल का मतलब तो ये है, नहीं, वो हमारे कोर्ट्स ही बताएंगे, वो जुडिशरी का काम है। ऊपर से चाहे जितने मर्जी लेवल ऑफ सरकार हो, हमारे देश में 3 है, यूजुअली 2 होते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, लेकिन उन लेवल्स के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है बच्चा इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग टैक्सेस लगा सकती है सिटीजन्स पे और पैसे ले सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए टैक्सेस लगा के पैसे ले सकती है। आपने देखा होगा GST आपके बिल में लगता है तो उस पर लिखा होता है CGST यानी कि सेंट्रल GST और SGST यानी कि स्टेट GST। तो ये वाले का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और SGST का पैसा जाता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिस स्टेट में आप रहते हो उसके पास जाएगा, राइट।
एक और फीचर है फेडरलिज्म का, वो फीचर है कि डुअल ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा और भी बहुत लॉज होते हैं, मतलब और भी बहुत टैक्सेस होते हैं, दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। एनीवे, लास्ट फीचर है कि डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरलिज्म करते क्यों है देश, वो इसलिए करते हैं ताकि रीजनल डाइवर्सिटी बरकरार रहे, मतलब छोटी छोटी जो कम्युनिटीज है आपके देश में उन्हें रिस्पेक्टेड फील होता रहे, उनके पास ऑटोनॉमी हो, उनके पास पावर हो और ओवरऑल देश की यूनिटी बरकरार रहे। भाई जब देश के अंदर रहने वाली डिफरेंट कम्युनिटीज भले से रहेंगी, अच्छे से खुश रहेंगी, तभी तो ओवरऑल देश की यूनिटी बढ़ेगी। सो किस किस तरीके की फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं दुनिया में? पहली बात तो सारी डेमोक्रेसीज फेडरल नहीं है, अगर हैं भी तो वो दो तरीके से होती हैं, या तो कमिंग टुगेदर या तो होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में मतलब जब छोटी छोटी स्टेट्स ये डिसाइड करती हैं कि उन्हें साथ में मिलके एक बड़ी कंट्री बना के रहना है, तो उसे आप कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हो। जैसे कि यूएसए, यूएसए में क्या हुआ था कि यूएसए में ऐसा नहीं है कि आज जैसा आपको यूएसए दिखता है हमेशा से यूएसए वैसे ही दिखता था, धीरे धीरे यूएसए में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, मेक्सिको ये वो इधर उधर से आके जुड़े हैं, तब जाके यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। ठीक है, तो जब छोटे छोटे स्टेट्स आके अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, अपनी सोवेरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके फाइनेंसेस हैं, जो भी उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, सबको मिला के जब वो एक बड़े देश की तरह रहने के लिए डिसाइड करते हैं, तो उसे आप बोलते हो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑन द अदर हैंड, जब एक बड़े देश को समझ आता है एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज, जब एक बड़े देश को समझ आता है या डाइवर्सिटी वाइज, जरूरी नहीं है कि इस देश का एरिया बड़ा लेकिन डाइवर्सिटी बहुत है, जब एक ऐसे देश को समझ आता है कि यार अभी हमने पावर शेयर नहीं की तो फिर देश में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तब उस तरीके के फेडरलिज्म को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कि आप जब आप स्टार्ट हुए थे एज अ नेशन, तब नहीं चाहते थे कि आप पावर डिवाइड करो, लेकिन ओइंग टू द सिचुएशन ऑफ योर नेशन यू स्टार्टेड डिवाइडिंग द पावर। जैसे कि बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम जब स्टार्ट हुआ था तब तो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था ना, धीरे धीरे संविधान में चेंजेस आए। जब इंडिया बना था तब इंडिया में सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल और स्टेट। फेडरल हम तब भी थे लेकिन हम वैसे फेडरल नहीं थे जैसे हम आज हैं। आज हमने क्या किया है कि लोकल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट लिया है, तो हमने एक और लेवल अपने फेडरलिज्म में एड किया, तो वी आर अ टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट, वॉट मेक्स इंडिया एन फेडरल कंट्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारे पास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी। फिर हमें समझ आया कि हमारे देश में लोग बहुत हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, इसलिए हमने 1990 के दशक में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके गांव के लेवल पे एक लोकल गवर्नमेंट बनाई और शहरों के लेवल पे एक लोकल गवर्नमेंट बनाई, और दोनों को बोला साथ में थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विच इज लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे पास तीन लेवल है गवर्नमेंट के, लेकिन लोकल लेवल के दो सब टाइप्स हैं, गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग, लेकिन टोटल कितने लेवल है? चार नहीं है, तीन ही है। ठीक है, लोकल के सब टाइप्स हैं। एनीवे, तो अगर कोई पूछे कि हमारा देश फेडरल है तो क्यों है, बताओ भाई क्यों है, तो आप बोल देना कि पहली बात तो हमारे पास तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल का नाम ही यही है, डेफिनेशन ही यही है कि उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारे पास तीन है। दूसरा, हमारी ये जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के अधीन नहीं है, सबकी अपनी अपनी पावर्स है। तीसरा, हमारा संविधान बताता है कि लोकल गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है, सेंट्रल की क्या पावर है। ठीक है, तो ये सारे फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर हमारे देश के संविधान में हैं। उसके बाद हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। देखो, डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजों पे डिसीजन लेना होता है, बैंकिंग पे लेना है, करेंसी पे लेना है, फॉरेन अफेयर पे लेना है, आर्मी कैसी होगी, आर्मी में क्या चेंजेस आएंगे, साइंस में क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या होगा, इरिगेशन में क्या होगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट, राइट। उन सारे सब्जेक्ट्स को हम एक सरकार के बलबूते नहीं छोड़ सकते, तो हमने उन सारे सब्जेक्ट्स को, सारे डेमोक्रेसी के टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है। कुछ यूनियन लिस्ट में डाले हैं, कुछ स्टेट लिस्ट में डाले हैं, कुछ कॉन्करेंट में डाले हैं, कुछ रेजिडोरी पावर में डाले हैं। यूनियन लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे देश के लिए सेम रहते हैं। जैसे कि करेंसी, ऐसा तो नहीं है कि कन्याकुमारी में डॉलर चलता है और हरियाणा में रुपया चलता है, नहीं, पूरे देश में सेम ही करेंसी चलती है भाई। तो करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, जो पूरे देश के लिए सेम रहते हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। देन वी हैव स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, जैसे कि एक स्टेट में जो टैक्सेस होंगे, एक स्टेट के अंदर कौन सी पुलिस होगी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस जो होगी, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है ना, तो दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दखल नहीं देती है यूजली, उसमें एक स्टेट के पास अथॉरिटी होती है कि उन सब्जेक्ट्स पे अपनी स्टेट के अंदर वही लॉज बनाएंगे अपनी स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर लॉज बना सकती है, नहीं, और वाइस वर्सा नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी स्टेट के अंदर।
देन वी हैव अ कॉन्करेंट लिस्ट. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें समझ नहीं आया कि स्टेट में डाले कि यूनियन में, तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया है. इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, यूनियन भी बना सकती है. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाना चाह रही है वो यूनियन को मंजूर नहीं है, तो फिर यूनियन की बात मानी जाएगी. मैंने बोला है ना कि फेडरल स्ट्रक्चर चाहे जितना मर्जी फेडरल हो, हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है. तो यहाँ आ गई थोड़ी सी ज्यादा पावर. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिसीजन ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन इज इंप्लीमेंटेड. ठीक है, एक और ज्यादा पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास, वो है रेजिडुअरी पावर. देखो, जब हमारा संविधान बना था, जब वो बना रहे थे, इतने सारे साल लेके हमने संविधान बनाया, लेकिन तब हमें नहीं पता था आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी. इंटरनेट आ जाएगा और यू नो साइबर बुलिंग, इस तरीके के टॉपिक्स आ जाएंगे. देन देयर वुड बी यू नो, अब तो AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई. हमें तब वो इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल था, हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा फ्यूचर में. तो ये वाले जो टॉपिक हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ना तो हम यूनियन लिस्ट में डाल पाए, ना हम स्टेट में डाल पाए, ना हम कॉन्करेंट में डाल पाए, क्योंकि तब ये टॉपिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे दुनिया में. तो हमने जैसे जैसे ये नए नए टॉपिक्स आते जा रहे हैं, इनकी हम एक पोटली बना के संविधान में डालते जा रहे हैं. इस पोटली का नाम है रेजिडुअरी पावर. तो ये कोई लिस्ट नहीं है, ये अभी एक पोटली है. क्या पता आगे 10 साल में, 15 साल में या 5 साल में रेसिडुअरी लिस्ट करके एक लिस्ट बन जाए. बट मुद्दे की बात ये है कि इस पे भी कौन डिसीजन मेकिंग करता है? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यूनियन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और रेसिडुअरी पे भी स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर डिसीजन मेकिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो भी यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाती है. चलो, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल. कई बच्चे पूछते हैं, वैसे इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चे पूछते हैं मैम इंडिया को क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं? क्वासी फेडरल इसलिए बोलते हैं कि हम फेडरल तो हैं, लेकिन हम थोड़े से कम फेडरल हैं. क्यों? क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है. देखो, हमारे देश में सारी स्टेट्स इक्वल नहीं है. कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा राइट्स देते हैं कंसिडरिंग देयर सिचुएशन. जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, वहां का नेचर, वहां की एथनीसिटीज, वहां का कल्चर बाकी देश से थोड़ा अलग है. तो असम, नागालैंड, अरुणाचल को हमने स्पेशल पावर दे रखी है आर्टिकल नंबर 371 में. पहले कश्मीर को भी मिलती थी इसमें स्पेशल पावर्स, लेकिन अभी जो कश्मीर का इंटीग्रेशन हो गया है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर को, तो उनसे वो आर्टिकल 371 रिपील कर दिया गया. बट एनीवे, कुछ स्टेट्स अभी भी हैं इंडिया में जहां पे आर्टिकल 371 है. 71 पढ़ना हो तो आप गूगल पे पढ़ सकते हो. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर है. देन यूनियन टेरिटरीज का हमारे देश में कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ ऐसे जगहें हैं जो इतने बड़ी हैं कि हम उन्हें शहर नहीं बोल सकते, लेकिन इतनी छोटी हैं कि हम उन्हें स्टेट भी नहीं बोल सकते. तो इस तरीके की जो एरियाज हैं जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, जैसे पौंडीचेरी में है, यू नो दमन एंड दीव में है, इन सारे एरियाज को हमने क्या कर दिया? यूनियन टेरिटरीज करार दे दिया. जैसे कि दिल्ली हो गई, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चलती है. अब बच्चे ये भी पूछते हैं, मैम दिल्ली अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे अलग से गवर्नमेंट क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है. वो सवाल ये है बच्चा, इसका आंसर ये है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है कि उसके लिए हमें अलग से सरकार बनानी पड़ी. हम चाहते थे कि दिल्ली को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हो, इसलिए दिल्ली इज अ स्पेशल केस. बाकी यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट प्रोविजन में आती है यूनियन गवर्नमेंट के. नेक्स्ट, अच्छा, फेडरलिज्म के फीचर्स को अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? दो स्टेप का नाम है ये स्लाइड, तो रट्टा मार लो, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो दो घर हैं पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा. कौन से दो घर? लोकसभा एंड राज्यसभा. उन दोनों घरों में से 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए, यानी कि 75% जनता जब तक नहीं बोलेगी कि हाँ हमें फेडरल सिस्टम में ये बदलाव चाहिए, तब तक बात आगे ही नहीं जाएगी, सेकंड स्टेप पे जाएगी नहीं. सेकंड स्टेप तब पूरा होगा, मतलब तब जो होगा जब फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा. फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, जितनी विधानसभा है देश में, जैसे अभी 28 स्टेट्स हैं तो 28 विधानसभा है हमारे पास, तो उन सारी स्टेट्स में से एटलीस्ट 50% स्टेट की विधानसभा को बोलना पड़ेगा कि हाँ हमें भी ये जो चेंज आ रहा है फेडरलिज्म में वो मंजूर है. तब जाके कहीं फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आएगा. और जुडिशरी का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. कभी सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा होता है तो जुडिशरी समझाती है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी बात का कोई अलग मतलब निकाला जा रहा है तो जुडिशरी बताती है लोगों को, या जुडिशरी बताती है सरकार को कि ये सही मतलब है इसका, तुम अलग से मतलब मत निकालो. तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, एम्पायर की तरह डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, इस सब में जुडिशरी का हमारे देश में इंपॉर्टेंट रोल है. और ये भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. कूल, तो इंडिया इज डेफिनेटली अ फेडरल नेशन. इतना है समझ? पल्ले पड़ रहा है? किसको बोल रही? सताक्षी भाई चुप हो जा, भाई चुप हो जा. रेटिफाइड का मतलब होता है बच्चा कि आप मंजूरी दे रहा हूं मैं. रेटिफाइड का मतलब टू से यस टू समथिंग.
जानवी, इंडिया हैज अ फेडरल गवर्नमेंट बच्चा, हमारे संविधान में कहीं फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन आप हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की कोई भी प्रैक्टिस उठा के देखोगे तो हम पक्का फेडरल हैं। हाँ जी शाम्भू, आई एम प्रिपेयरिंग दैट क्वेश्चन। प्रैक्टिस हम रीड करके करें कि राइट करके करें? विनाका, आपको भी इसका आंसर पता है, राइट, यू हैव टू राइट। पूरा पूरा आंसर मत लिखो, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिख लो, फिर मैच कर लो मेन आंसर से, लेकिन रट्टा मार के थोड़ी पढ़ेंगे हम। अदिति कह रही है चमक गया, चलिए आगे चलते हैं। लिंग्विस्टिक्स रेट, तीन एक्सपेरिमेंट किए थे हमने अपनी इंडियन डेमोक्रेसी में जो ये प्रूफ कर देते हैं कि हम शत प्रतिशत फेडरल कंट्री है। पहला है लिंग्विस्टिक्स रेट। देखो बहुत ही मुश्किल होता है किसी कंट्री के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री के अंदर खंडन करना, लेकिन हमने ये रिस्क उठाया। जब से हम आजाद हुए तब से हमारे देश में कई सारी स्टेट्स हैं जो डिजोल्व हो गई हैं और कई सारी नई स्टेट्स बनी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग कर दिया, जैसे बिहार में से झारखंड को अलग कर दिया, जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकल गया, राइट, नागालैंड, ये सारी स्टेट्स हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई है, क्योंकि हमारा ये मानना है हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर का कि जिन भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ रहने का मन है, मतलब एक भाषा का अपना एक प्यार होता है, तो अगर आप सेम भाषा बोलते हो तो आपको सेम छत के नीचे अगर रहना है, सेम स्टेट में रहना है, तो आप रहो। इसी से हमने ये रिस्क उठाया और ये रिस्क लोगों को लगा था, हमारे नेशनल लीडर्स को लगा था ये रिस्क हम पे बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना कभी हमारे देश के लिए भारी नहीं पड़ा है। लेकिन जब जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई है, 2014 में तेलंगाना भी बनाया था, तो भी हमारे देश की यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है। तो दिस हैज बीन अ ट्रायम्फ फॉर अस, हमारी जीत हुई है इसमें। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब इंडिया में ना 40% जनता है जो हिंदी बोलती है, बाकी 60% इंडिया को ना तो हिंदी बोलनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, उनकी अलग अलग अपनी भाषाएं हैं, उन्हें हिंदी उनकी मदर टंग नहीं है। तो क्या उस 60% इंडिया, उस मेजोरिटी इंडिया के प्रति हम गलत कर दे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आपके व्हाट्सएप पे क्या लिख के आता है, कोई टीवी का बॉलीवुड का एक्टर क्या बोलता है, उस पर मत जाइए। हमारे देश में संविधान में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी दो ऑफिशियल भाषाएं हैं हिंदी और इंग्लिश। एक बार हमने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया था, फिर हमारे सदर्न इंडिया में इतने प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि सिर्फ हिंदी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज रहती तो बाकी लैंग्वेजेस को ऑब्वियसली बुरा लगता है ना। अब हम झुकला तो नहीं सकते कि हम एक कॉलोनियल पास्ट से आते हैं, पूरे इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है टू सम एक्सटेंट, सो वी कांट यू नो डिनाई इट, इट इज देयर। सो हमने फिर से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो अभी करेंटली हमारे पास दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी है इंग्लिश। तो मैं लिख देती हूँ, नो नेशनल लैंग्वेज, टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, और हमारे पास 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है 21 बिसाइड्स हिंदी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 22 हमारे पास स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, संविधान में रजिस्टर्ड है। देन सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का क्या रिलेशनशिप रहा है। देखो 1990 से पहले की बात अलग है, 1990 से पहले जो पार्टी जीतती थी सेंटर में वही पार्टी यूजली स्टेट में जीतती थी, और अगर नहीं जीतती थी किसी स्टेट में तो वहां की सरकार गिरा देती थी, दोबारा से इलेक्शन कराती थी। क्यों? क्योंकि उसको ये था कि पूरे देश में हम ही राज करें। लेकिन ये बदलाव आया जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे जो इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम बनता गया, वैसे वैसे लोगों ने अपनी चॉइस बदली, वैसे वैसे लोगों ने और छोटी छोटी पार्टीज को भी वोट देना शुरू किया, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है पोस्ट 1990, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कभी भी किसी पार्टी को मेजोरिटी मिली नहीं। अभी भी जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, वो एनडीए की सरकार है। उस एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी के पास मेजोरिटी है, ठीक है। तो 1990 के बाद से किसी पार्टी को ट्रू मेजोरिटी नहीं मिली, फेडरल स्ट्रक्चर बन गया, फेडरलिज्म और स्ट्रेंथन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट डपट लगाई कि भाई तुम स्टेट गवर्नमेंट को हल्के में मत लो, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इज्जत है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भीख नहीं मांगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, अपनी अथॉरिटी है, अपनी इंडिपेंडेंस है। तो उसके बाद से हमारा फेडरलिज्म और स्ट्रांग हुआ है, और अब कोई रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी इसको हल्के में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बननी तो गठबंधन की सरकार है, बननी तो कोलिजन गवर्नमेंट है, दो चार पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में आके अलायंस बना के सरकार बनानी पड़ेगी, किसी को ट्रू मेजोरिटी तो मिल नहीं रही है। तो अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को भला बुरा करोगे तो वो आपके साथ गठबंधन ही नहीं बनाएगी। तो फिर इससे अच्छा है कि सारी पार्टीज को इक्वल रिस्पेक्ट देके चलो। सो ये है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अः
ओके, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। देखो, जब भी कोई चीज आप सेंटर के पास खींच के लाते हो तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जब भी किसी चीज को आप सेंटर से दूर लेके जाते हो उसे आप डिसेंट्रलाइजेशन कहते हो। फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑल, इसलिए बता रही हूँ। तो सेंटर से दूर, जब आप सेंटर और स्टेट से थोड़ी सी पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को देते हो तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डी का मतलब विदाउट और सेंट्रलाइजेशन का मतलब विदाउट द सेंटर। So when you take away the power from center and state and give it to the local authorities, it is known as decentralization. हमारे देश में federal structure 1947 से था, लेकिन 1990 के दशक में हमने local government का concept add किया और उसी को हम decentralization बोलते हैं। तो 1992 और 1993 were the 2 years जो हमारे decentralization के लिए बहुत important थे। Now let's talk about कि हमारा क्या दिखता है federal structure। तो सबसे पहले हमारे पास union government, जिसे आप central government भी बोलते हो बच्चा। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अलग, तो यहाँ पे 28 स्टेट गवर्नमेंट है अभी हमारे पास, राइट। देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, शहरों में इन सिटीज एंड टाउन्स और इन रूरल एरिया, बेसिकली कंट्री साइड, राइट। रूरल एरिया में क्या होता है कि गांव लेवल पे, एक सिंगल गांव लेवल पे होता है ग्राम पंचायत, जिसका जो हेड होता है उसे आप बोलते हो, हेड होता है या होती है, आप उसे बोलते हो सरपंच। उस गांव के जो लोग होते हैं वो विलेज पंचायत में वोटिंग देते हैं और विलेज पंचायत जब बैठती है तो गांव के लोग अटेंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चार पांच गांव की पंचायत, यानी कि चार पांच विलेज पंचायत आपस में मिलके साल दो साल में ग्राम सभा लगाती है। तो ग्राम सभा इसका डायरेक्ट, इस पूरे पूरे फ्लो चार्ट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। ग्राम सभा इज बेसिकली जब दो चार ग्राम पंचायत आके आपस में मीटिंग करती हैं, कहीं पे होती है कहीं पे नहीं होती है। तो अभी के लिए ग्राम सभा को हम यहां से इरेज कर देंगे बिकॉज वो इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम भी यही है कि ग्राम सभा यूजली कहीं होती है कहीं पर नहीं होती है। एनीवे, फिर विलेज पंचायत की बात आती है आपकी पंचायत समिति, चार पांच पंचायत मिला के बनाती है पंचायत समिति, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब ये हमारे इस सिस्टम में, लोकल सिस्टम में आती है, ये हमारे संविधान में मेंशन है इसकी पावर। पंचायत समिति बोलो, ब्लॉक समिति बोलो, एक ही बात है, ठीक है। एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं तो उसे पंचायत समिति बोलते हैं। देन बहुत सारी पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट पंचायत नहीं बनाती है, गलत लिखा हुआ है, वो बनाती है जिला परिषद। जिला का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट और परिषद का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, तो जिला परिषद। तो लोकल लेवल पे सबसे छोटे गांव के लेवल पे है विलेज पंचायत, कई सारी विलेज पंचायत ने बना लिया पंचायत समिति और कई सारी पंचायत समिति ने बना लिया जिला परिषद। नाउ इन शहरों के केस में पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे। अगर शहर छोटा है, स्मॉल सिटी है, पॉपुलेशन कम है, या बड़ा शहर है यानी कि लार्ज सिटी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट, लार्ज पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन, पॉप का मतलब पॉपुलेशन। तो स्मॉल सिटी है तो म्युनिसिपैलिटी बनती है बच्चा, और लार्ज सिटी है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है। महानगरों में क्या बनता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि चेन्नई में क्या है या ऐसे बड़े शहरों में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उसके अंदर अंदर अलग अलग होते हैं। आपका होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूं जो आपको कमेंट्स में बताना है कि म्युनिसिपैलिटी के हेड को क्या बोलते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली आंसर दे देना कमेंट्स में, ठीक है जी। चलो, तो ये तो हो गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन दिखता कैसे। अब डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स है, पहली बात तो हमारा संविधान बोलता है कि जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं वैसे लोकल लेवल के भी होने चाहिए। जैसे हम स्टेट और सेंट्रल में ओबीसीज एसटीज और एससीज को रिजर्वेशन देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विलेज लेवल पे या सिटी लेवल पे भी हमें उन्हें इलेक्टेड बॉडीज में रिजर्वेशन देना है। एक और अच्छी चीज है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होती है, वो ये है कि लोकल बॉडीज में औरतों को भी रिजर्वेशन देता है, एक तिहाई हिस्सा जो है सीट्स का वो औरतों के लिए रिजर्व होता है। हमारे देश के हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसका काम है कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन अच्छे से हों, उसकी देखभाल करना। और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये रिक्वायर होता है कि वो अपनी कुछ पावर्स और अपना कुछ पैसा लोकल अथॉरिटीज के साथ शेयर करे ताकि लोकल गवर्नमेंट को बार बार पैसे के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास हाथ ना फैलाना पड़े। तो हर गांव का अपना एक बजट निकलता है, जिला परिषद के पास अपने पैसे होते हैं एक जिला के डेवलपमेंट के लिए, गांव के पास पैसे होते हैं गांव के डेवलपमेंट के लिए,
ठीक है, तो ऑल ऑफ दैट इज मैनेज्ड वेल। लेकिन फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। पहले अच्छी बातें देख लेते हैं। अच्छी बातें ये हैं कि जो गांव की प्रॉब्लम्स होती हैं वो गांव लेवल पे ही सॉल्व हो जाती हैं। लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स लोगों को अच्छे से पता होता है तो वो उसका बेस्ट डिसीजन निकाल पाते हैं। लोकल लेवल पे लोगों को ये भी पता होता है कि यार जो पैसे हमारे पास हैं उसे बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना है। मे बी सोचो यार स्टेट गवर्नमेंट आपके गाँव में स्कूल बना के चली गई, लेकिन स्कूल से ज्यादा आपको चाहिए था कि सड़क बने, क्योंकि जब सड़क बनेगी तब तो वो स्कूल तक पहुंचेगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पे लोगों को ज्यादा पता होगी, है ना। सो वहां पे रिसोर्सेज बेस्ट यूज होते हैं। लोकल लेवल पे क्या होता है कि लोग डिसीजन मेकिंग में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो डेमोक्रेसी का पेड़ जो है फलता फूलता है। मतलब लोकल लेवल पे जब बार बार लोग इलेक्शंस, वोटिंग इस सब की बातें करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है उसमें भी इंटरेस्ट आएगा। तो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स। डीमेरिट्स में ये है कि हमारे पास अभी भी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास इनफ पैसे नहीं होते हैं कि लोकल लेवल पे हम ज्यादा डेवलपमेंट कर पाए। औरतों को हमने 1/3 हिस्सा दे तो दिया है लोकल बॉडीज में, लेकिन वो औरतें नॉमिनल फिगर बन जाती हैं। औरतों को जिता दिया जाता है, औरतों के लिए सीट रिजर्व हो जाती है म्युनिसिपैलिटी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या ग्राम पंचायत में, लेकिन उनके बिहाफ पे उनके घर के जो मेन होते हैं वही डिसीजन ले रहे होते हैं, विच इज वेरी फ्लॉड बट हैपेंस अ लॉट। देन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट को इनफ पावर नहीं देती हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे ग्राम सभा जो मीटिंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी वो रेगुलरली नहीं होती है। सो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स। तो ये समझ आया फेडरलिज्म? फेडरलिज्म में एनी डाउट बच्चा? डाउट बताओ, डाउट बताओ। खुशी थैंक यू। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। इंडिया की राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भी सरकार करेगी कोई भी प्रोग्राम प्रोसेसिंग या मीटिंग होगी तो उसका जो नोटिस होता है वो उन दो भाषाओं में जारी होता है। ओके, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चा। जेंडर और सेक्सुअल डिवीजन क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे, फेमिनिज्म, कम्युनिज्म और कास्टिज्म की डेफिनेशन कर लेना। कास्टिज्म सिलेबस में नहीं है, फेमिनिज्म कम्युनिज्म एज अ डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है। जेंडर डिवीजन का आउटकम लाइक आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया को सेकुलर क्यों बोला जाता है, इसके चार पॉइंट्स पेपर में आएंगे ही आएंगे। पॉलिटिक्स एंड कास्ट के चार पॉइंट्स याद कर लेना, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के चार पॉइंट याद कर लेना। ये वो दो टॉपिक हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स को मैं चार चार पॉइंट्स की तरह एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर की थ्योरी में आपको 45 मिनट से एक घंटे से ऊपर नहीं लगाना है। क्वेश्चंस में 45 मिनट मैक्स टू मैक्स एक घंटा। वन शॉट वीडियो इस चैप्टर की जरूर देखना मेरी। क्यों? क्योंकि जेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कभी कभी हमें पढ़ के समझ नहीं आता है, तो कोई समझाने वाला हो तो जरूर देखना। और मेरा मास्टर से आर सोशल वर्क में मैंने जेंडर में मेजर किया है तो मेरी देख लेना, मेरे को जेंडर पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। एनीवे चलो, जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन का मतलब होता है जब आप जेंडर के नाम पे चीजों को बांट देते हो तो उसे जेंडर डिवीजन बोलते हैं। देखो, सेक्स और जेंडर दो अलग चीजें होती हैं। सेक्स होता है जो आपको बायोलॉजिकली असाइंड होता है, आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के ऊपर आप असाइन कर देते हो कि इस ह्यूमन बीइंग का ये सेक्स है। लेकिन जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, आपको एक तरीके से सोसाइटी में ब्रॉटअप किया जाता है, पाला जाता है और उससे आप अपने जेंडर से आइडेंटिफाई करने लगते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सेक्स के आधार पर सोसाइटी जो आपका जेंडर डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है, आप भी बड़े होकर उसी जेंडर से आइडेंटिफाई करो अपने आप को। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने असाइंड जेंडर से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। एनीवे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम तब आती है जब जेंडर बेसिस पे आप सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हो। जब आप पहली बात तो सेक्स के बेसिस पे आपने जेंडर डिफाइन कर दिया, लोगों को अपना जेंडर चूज ही नहीं करने दिया, फिर आपने क्या किया है, बोला कि इस पर्टिकुलर जेंडर के लोग यही काम करेंगे। आप फीमेल हो तो आपको सर्विस जॉब करनी चाहिए, जैसे कि नर्स बन जाओ, टीचर बन जाओ, जाके 2 बजे घर आ पाओ। आपको फ्रेजाइल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, आपको जो है अपनी हेल्थ केयर को पीछे रखना चाहिए, अपने घर के मेन की हेल्थ केयर को ज्यादा आगे रखना चाहिए, आपको अपनी रिप्रोडक्शन का ध्यान रखना चाहिए, आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपको मदरहुड तो अपनाना ही चाहिए, मतलब फीमेल हो तो मदरहुड तो अपनाना ही अपनाना चाहिए, इस तरीके का कंपल्शन है, घर का काम आना चाहिए, हॉर्मोन्स को कंट्रोल करो अपने, इस तरीके की आप स्टीरियोटाइपिंग करते हो फीमेल जेंडर के लिए। मेल जेंडर के लिए आप बोलते हो कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम आना चाहिए, घर में कोई भी टूटा फूटा घर के लड़कों को बोला जाता है, भाई क्यों
क्यों आएगा उन्हें घर में घर का सामान टूटा फूटा ठीक करना, क्या जरूरी है क्या ये? उनको रिस्क लेना आना चाहिए, उन्हें अच्छी तनख्वाह कमानी चाहिए, उन्हें पूरी फैमिली का खर्चा उठाना चाहिए, उन्हें कभी रोना नहीं चाहिए, उनकी आवाज भारी होनी चाहिए, यू नो वो स्ट्रांग होने चाहिए, वो गुस्सैल भी हो तो भी चलेगा, चलो लड़के तो गुस्सैल होते ही हैं। इसी तरीके की स्टीरियोटाइपिंग आप मेन मेल जेंडर से करते हो। और सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर तब होता है जब आप काम में भी इन डिविजन्स को ले आते हो। आप बोलते हो कि घर का काम जो है औरतों का काम है और बाहर का काम जो है आदमियों का काम है, और अगर औरतें बाहर जाके काम कर भी रही हैं तो भी उन्हें घर का काम आके देखना पड़ता है। कितनी सारी औरतें, मतलब मैं आसपास जितनी वर्किंग वेमेन को जानती हूँ जो मैरिड है, वो आके घर का काम करती ही करती हैं, पता नहीं क्यों, बट दिस इज वेरी वेल स्टैब्लिश्ड। और जब उसी घर के काम के लिए पैसे मिलने लग जाते हैं तो आदमी वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े होटल्स में जो बड़े बड़े शेफ होते हैं वो आदमी होते हैं। घर रोटी कौन बना रहा होता है? मोस्टली घर की औरतें बना रही होती है, क्योंकि वहां पैसे नहीं मिल रहे रोटी बनाने के लिए, लेकिन होटल में पैसे मिल रहे हैं तो वहां पे आदमी काम कर लेते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। और इसकी वजह से क्या होता है कि दुनिया की औरतों को, या इंडियन सोसाइटी की औरतों को, दुनिया की औरतों को एक्चुअली ज्यादा काम करना पड़ता है। पता है एवरेज इंडियन वुमन एवरेज इंडियन मैन से 1 घंटा ज्यादा काम करती है, नो मैटर वो गांव में ज्यादा काम कर रही है, शहर में ज्यादा काम कर रही है, ऑफिस में ज्यादा काम कर रही है कि घर में ज्यादा काम कर रही है, पर ज्यादा काम कर रही है। एंड वो काम को हम वो भी नहीं कह रहे हैं, उस काम को हम अच्छा भी नहीं मान रहे हैं, उस काम को हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। बट एनीवे, इसी सब की वजह से, इसी सोसाइटी की इनइक्वालिटी की वजह से फेमिनिस्ट मूवमेंट दुनिया में चालू हुई थी। फेमिनिज्म कोई गाली नहीं है, अनलाइक सम पीपल थिंक ऑफ इट। फेमिनिज्म एक सिंपल सी आइडियोलॉजी है, सिंपल सी विचारधारा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हो जिन्हें औरतों और आदमियों के बीच में इक्वालिटी चाहिए, अब तो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी आ गया है जिसमें आप सिर्फ विमेन और मैन के बीच में इक्वालिटी नहीं मानते हो, आप विमेन मैन और ट्रांसजेंडर के बीच में इक्वालिटी की मांग करते हो। बट एनीवे, इस क्लास के लिए फेमिनिज्म की डेफिनेशन यही रखते हैं कि अगर आपको औरतों और आदमियों की अपॉर्चुनिटी में सोशल इक्वालिटी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए, तो आप फेमिनिस्ट हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और पहले दुनिया में ऑब्वियसली जो आजकल सोसाइटी में इनइक्वालिटी दिखती है पहले इससे कई ज्यादा थी, तो औरतें ने अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोटेस्ट की हैं यहाँ पे अराइव करने के लिए। अभी भी पूरी सोसाइटी में पूरी तरीके से इक्वालिटी नहीं आई है, इसीलिए जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं दुनिया के वो अब पर्सनल और फैमिली लाइफ में इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक लाइफ में थी सो कॉल्ड इक्वालिटी आनी शुरू हो गई है ना। तो फेमिनिज्म इज अ ग्रेट थिंग, एंड इफ यू आर अ फेमिनिस्ट देन आई मीन इफ यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट देन आई विल लाइक टू टेल यू कि सेक्सुअल डिविजन के क्या आउटकम्स होते हैं। पहली बात तो औरतों का पॉलिटिक्स में जो रोल है वो कम हो जाता है, उनका पर्सनल लाइफ में जो उनके पास बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है, पब्लिक अफेयर्स में वो कम देखने को मिलती हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, लेकिन ये चेंज भी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कई सारी औरतों ने अपने जीवन का दान दिया है इन फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर। देर हैव बीन सो मेनी विमेन एक्टिविस्ट हु हैव डाइड एंड सो मेनी मेन एक्टिविस्ट ऑल्सो हु हैव डाइड फॉर फेमिनिज्म। That's why we have arrived there. और हमारे आसपास भी देखोगे तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां की अभी जो सोच है उसे बदलने में टाइम है, तो वहां पे फेमिनिज्म आने में अभी टाइम लगेगा अच्छी तरीके से इक्वालिटी आने में। तो मोस्टली डेवलपिंग नेशंस में पितृ सत्ता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पे घर के आदमी जो है उनके पास ज्यादा पावर होती है घर की औरतों से। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे कि स्कैंडिनेवियन नेशंस है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ऐसे देशों में बहुत अच्छे से अभी इक्वालिटी आ रही है। अभी भी ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल इक्वालिटी आ गई, बट दे आर वेरी वेल अहेड ऑफ डेवलपिंग नेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस दैट विमेन फेस इन आवर पर्टिकुलर नेशन। तो औरतों की एजुकेशन से स्टार्ट करें तो हमारे देश में पहले भी आदमी ज्यादा एजुकेटेड होते थे औरतों से, आज भी यही है कि लिटरेसी रेट लड़कियों का हमेशा लड़कों से कम होता है। इनफैक्ट अगर लड़कियां स्कूल में अच्छा भी परफॉर्म कर रही होती हैं तो एक एज के बाद अगर फैमिली के पास पैसे कम होते हैं तो वो लड़कियों को स्कूल से ड्रॉप आउट करवा देते हैं, लड़कों को स्कूल में कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कों का पढ़ना ज्यादा जरूरी है, विच डजंट मेक सेंस। देन लो वेजेस की बात करते हैं, नो मैटर लड़कियां पढ़ लिख जाएं, फिर भी अगर जब वो काम करती हैं तो सेम ही जॉब के, सेम ही अमाउंट ऑफ काम के लड़कों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और लड़कियों को कम पैसे दिए जाते हैं। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। इनफैक्ट हमारे इंडिया में कितने सारे लॉज बने हुए हैं इक्वल रेन्यूमरेशन के, कि अगर दोनों जेंडर इक्वल काम कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल पैसे मिलने चाहिए, फिर भी सारी के सारे सेक्टर्स में आपको जेंडर डिविजन दिखता है सैलरी के टर्म्स में। इनफैक्ट एजुकेशन इंडस्ट्री में भी है।
एनीवे फीमेल फीटी साइड का मतलब होता है कि वैसे तो हमारे इंडिया में बिल्कुल इलीगल है फीटस का सेक्स डिटरमाइन कराना, लेकिन फिर भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इलीगल तरीके से फीटस का यानी कि अनबॉर्न बेबी का सेक्स डिटरमाइन कराते हैं, और अगर बेबी का सेक्स फीमेल होता है तो उसे अबॉर्ट कर देते हैं। तो गर्भ में ही बच्चे की जान लेना इज गर्भ में ही फीमेल बच्चे की जान लेना इज फीमेल फीटी साइड, फीटस को मारना इज फीटी साइड। सेक्सुअल हरासमेंट, आपको पता ही है सेक्सुअल हरासमेंट के क्या कहने, जितना बड़ा शहर होता है उतनी ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सुनने में आते हैं। और ये पता है कि डेटा कहता है कि औरतें घर में भी बहुत ज्यादा अनसेफ हैं। इनफैक्ट कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं दुनिया में जहां औरतें घर में पब्लिक लाइफ से ज्यादा अनसेफ हैं, घर में उनके पेरेंट्स से या उनके सिबलिंग से या उनके कजिन से या उनके रिश्तेदारों से वो ज्यादा अनसेफ हैं। तो ना तो डोमेस्टिक सेफ्टी है ना पब्लिक सेफ्टी है, हरासमेंट है, बीटिंग है, वायलेंस है, ये सब कुछ सोसाइटी की सच्चाई है। सो दीज आर द आउटकम्स वी सी बिकॉज ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और ये हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। आपको अगर मैं बताऊं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में हमें कभी भी जो लोकसभा में जो औरतों का रेशियो रहा है वो 50% तो छोड़ो, इस वाली भी जो औरतों मतलब इस वाली भी जो लोकसभा बनी है ना 2019 वाली जो लोकसभा बनी है उसमें भी विमेन आर ओनली 14.36%, और ये आज तक का सबसे अच्छा नंबर है। फिर भी औरतें कितनी है 14.36, ये होना क्या चाहिए 50% होना चाहिए, पर हम यहाँ पे तो पॉलिटिक्स में औरतें नहीं दिख रही है। पॉलिटिक्स में औरतें क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही औरतें नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सीट रिजर्व होगी औरतों के लिए तभी तो औरतों को टिकट मिलेगा, कैंडिडेट बनाई जाएंगे इलेक्शन में। और ऊपर से हमारे देश में इतनी सरकारें आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सो मेनी गवर्नमेंट्स हैव कम एंड गॉन, बट विमेन रिजर्वेशन बिल एक दशक से ऊपर का टाइम हो गया है हमारे लोकसभा में अटका का अटका हुआ है, पार्लियामेंट में अटका का अटका हुआ है, सरकारें उसे पास ही नहीं करती है। विमेन रिजर्वेशन बिल बोलता है कि 33% कोटा होना चाहिए औरतों के लिए इन द असेंबलीज इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन वो अटका हुआ है। तो लोगों को उस पर टिप्पणियां करनी होती है, लेकिन क्यों अटका हुआ है, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो उसे पास करेंगे वो मैन है, क्योंकि अभी तो रियलिटी यही है ना कि मोस्टली मिनिस्टर्स आर मेन, तो वो पास ही नहीं करना चाह रहे हैं। और यही चीज दर्शाई हुई है इस इमेज में कि औरतें जो है मांग रही है विमेन रिजर्वेशन बिल, और आदमी जो है पार्लियामेंट का दरवाजा रोके खड़े हैं, वो घुसने ही नहीं दे रहे हैं औरतों को। सो विमेन रिजर्वेशन बिल इज नॉट बीइंग पास। लोकल गवर्नमेंट में हम 1/3 हिस्सा जरूर देते हैं औरतों को, स्टेट और सेंट्रल में नहीं देते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलीजन। तो रिलीजन एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं मैं बोलूंगी, यूनिवर्सल डिविजन नहीं है सोसाइटी का जेंडर की तरह। जेंडर तो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन रिलीजन कई किसी किसी देश में एज अ डिविजन देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक ही रिलीजन ज्यादातर फॉलो करती हैं, उनका कॉमन रिलीजन होता है। लेकिन हमारे इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और गांधी जी ये मानते थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रिलीजन का ही पॉलिटिक्स में पॉजिटिव रोल होना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। और हम एज अ सोसाइटी, एज एन इंडियन सोसाइटी भी हम ये मानते हैं कि माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज कौन है, माइनॉरिटी रिलीजन वो लोग जिनका रिलीजन हमारे देश में कम संख्या में देखा जाता है, तो उस पर मेजोरिटी रिलीजन हावी ना हो जाए, इसलिए उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा राइट्स देने पड़ते हैं। इनफैक्ट कोई भी रिलीजन की बात कर लो, इंडिया के किसी भी रिलीजन की बात कर लो, जब उस रिलीजन की फैमिली लॉज को आप देखते हो, बच्चा हर रिलीजन के फैमिली लॉज ना अलग होते हैं, हिंदूज के फैमिली लॉज अलग हैं, इस्लाम में फैमिली लॉज अलग हैं, तो जब भी किसी रिलीजन की फैमिली लॉज देखोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन औरतों के लिए वो लॉज डिस्क्रिमिनेटरी हैं। तो विमेन एज एन एंटिटी को प्रोटेक्ट करना अभी भी हमारे देश में मच मच नीडेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमनल पॉलिटिक्स। ये रिलीजन और पॉलिटिक्स की खिचड़ी कभी तो अच्छी हो सकती है, कभी बुरी हो सकती है। बुरी खिचड़ी जो होती है रिलीजन और पॉलिटिक्स की, उसे आप बोलते हो कॉमनल पॉलिटिक्स। जब आप ये मानते हो कि सोसाइटी का आधार ही सिर्फ रिलीजन है, किसी तरीके की इक्वालिटी, किसी तरीके की इंसानियत, किसी तरीके की प्रोग्रेसिवनेस को मानने से इनकार कर रहे हो, आप बोल रहे हो सोसाइटी का सिर्फ एक ही आधार है रिलीजन, और उस रिलीजन के नाम पे आप भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश करते हो, दो रिलीजन के समुदाय के लोगों को आप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करते हो, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से बेहतर बताने की कोशिश करते हो, एक रिलीजन के लोगों को स्टीरियोटाइप करके कि इस रिलीजन के लोग तो ना हमेशा ऐसे ही होते हैं, इस रिलीजन के लोग तो ना हमेशा ऐसे ही होते हैं, इस तरीके से जब आप एक नकारात्मक नेगेटिव सोच पनपाते हो सोसाइटी में, तो इस सबको बोला जाता है कॉमनलिज्म। और इसका सबसे कॉमन रूप है बच्चा, जो आपको आसपास भी दिख जाएगा, अपनी फैमिलीज में, अपने नेबरहुड में दिख जाएगा, वो सबसे कॉमन रूप है स्टीरियोटाइपिंग। हम जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, हमने बचपन से दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप सुना है कि इस रिलीजन के लोग तो ऐसे ही होते हैं, इस रिलीजन के लोग तो ना खाते ही खाते हैं चिकन, उस रिलीजन में भी कोई वेजिटेरियंस होते हैं,
पर हम मानने से इनकार कर रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप इतना करते हैं दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म. पॉलिटिक डोमिनेशन होती है. पॉलिटिक्स में लोग क्या करते हैं कि एक रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं कि हमारे रिलीजन के लोग हमें वोट दे दे तो कितना अच्छा हो जाए. तो आप क्या करते हो, बाकी रिलीजन के लोगों को एक्सक्लूडेड फील कराते हो. तो जब किसी को एक्सक्लूडेड फील कराओगे तो वो आपको पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा? ऑब्वियसली नहीं पसंद करेगा, है ना. तो कॉमनल माइंड के जो पॉलिटिक्स लीडर्स होते हैं वो रिलीजियस कम्युनिटी के नाम पे वोट मांगते हैं. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है पॉलिटिक्स में. रिलीजियस लीडर्स जो हैं पॉलिटिक्स के में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रिलीजन के सिंबल्स को यूज करते हैं, रिलीजन के फ्लैग को यूज करते हैं, रिलीजन मंदिर मस्जिद की बातों को यूज करते हैं, लोगों के दिलों में डर पैदा करते हैं कि आपके रिलीजन पे आंच आ जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो, और लोगों को मैन्यूपुलेट करते हैं और पॉलिटिक्स में रिलीजन की एंट्री कराते हैं. दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक मोबिलाइजेशन. और ये हमारा देश एक बार देख चुका है. वैसे तो बहुत बार हमारे देश में दंगे हुए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, लेकिन हमारा देश सबसे बड़ा दंगा जो है हिस्ट्री का वो देख चुका है रिलीजन के नाम पे. वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा. दैट वाज जस्ट अ कॉमनल राइट विच बिकेम सो बिग दैट आर नेशन गॉट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, राइट. सो दिस इज वाई वी से कि इंडिया का जो संविधान बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर देश है, वो हमारे लिए बहुत बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए. और हम जितनी कोशिश हो सके हमें देश की यूनिटी के लिए रिलीजन के नाम पे भेदभाव को कम और कम और कम करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है. तो हमारा संविधान क्या बोलता है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. जैसे बाकी स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम है एज एन ऑफिशियल रिलीजन, हमारे देश में नहीं है. हमारा संविधान ये भी बोल सकता है कि नो मैटर आप किस रिलीजन में पैदा हुए हो, अगर आपको जिस भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोपेगेट करने का, प्रोफेस करने का मन है, आप कर सकते हो. हमारा संविधान बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन के मामलों में नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर रिलीजन के नाम पे कहीं इनइक्वालिटी है तो फिर गवर्नमेंट को बीच में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है. जैसे कि हिंदू रिलीजन में क्या होता था कि छुआछूत का भेदभाव बहुत था, अनटचेबिलिटी बहुत थी, जिसके खिलाफ गांधी जी भी काम करते थे. तब अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया था. जब हमारा संविधान बना, हम एक तरीके से हमने रिलीजन में इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने, संविधान ने रिलीजन में इंटरवीन किया, लेकिन हमें करना पड़ा क्योंकि छुआछूत का भेदभाव मिटाना सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. तो ऐसे अहम मुद्दों पे हम इंटरवीन करते हैं, अदरवाइज रिलीजन में सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कास्ट इनइक्वालिटी. कास्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो, कास्ट एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती, हमारे इंडिया में देखने को मिलती है. डेफिनेटली रेसिज्म वगैरह बाहर के वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे इंडिया में कास्ट देखने को मिलता है. शुरुआत हुई थी एक रिजिड तरीके के कास्ट सिस्टम से जो कुछ इस तरीके का दिखता था. हमारा मानना था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते थे, फिर क्षत्रियाज आते थे, वैश्याज आते थे, शूद्र आते थे और फिर हरिजन्स आते थे. ये पुराना कास्ट सिस्टम मैं बता रही हूँ. ब्राह्मण्स का काम था मंदिरों में प्रीस्ट बनना, क्षत्रियोज का काम था वॉरियर बनना या रूलर्स बनना, राजा बनना. वैश्य कम्युनिटी का काम था ट्रेडर्स और मर्चेंट बनना. शूद्र कम्युनिटी का काम था किसी अनस्किल्ड वर्क में अपनी स्किल दिखाना. और हरिजन कम्युनिटी का कास्ट था चिल्ड्रन ऑफ गॉड. अब ये पूरा का कास्ट सिस्टम में दो प्रॉब्लम है. एक तो ये बहुत रिजिड है. जब भी कोई चीज रिजिड होती है तो वो इक्वालिटी के खिलाफ है, राइट. ऊपर से ये डिस्क्रिमिनेटरी है. जो कुछ कास्ट ग्रुप हैं वो अपने आप को बड़ा मानते हैं और कुछ कास्ट ग्रुप को वो नीचे दबा के रखने की कोशिश करते हैं. इसलिए लोअर कास्ट और अपर कास्ट जैसे शब्द आपको सुनाई देखने को मिलते हैं. वैसे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए लोअर कास्ट अपर कास्ट, वो है ही क्यों? बिकॉज देर आर सम कास्ट ग्रुप दैट थिंक दे आर सुपीरियर देन दी अदर कास्ट ग्रुप. इनफैक्ट पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के लोगों के साथ तो छुआछूत पहले भी होती थी, आज भी होती है. बेशक ये इलीगल ऑफेंस बन गया है, लेकिन आज भी आपको छुआछूत देखने को मिलती है. पहले से कम होती है, लेकिन होती आज भी है. पहले तो क्या होता था कि आप उस कास्ट ग्रुप में शादी नहीं करते थे, किसी और कास्ट ग्रुप के साथ उठते बैठते नहीं थे, किसी और कास्ट ग्रुप में शादी ब्याह नहीं करते थे बच्चों की, बोल दिया मैंने और उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनके साथ मिलना जुलना नहीं होता था. अभी भी होता है बहुत ज्यादा. रूरल इंडिया या शहरों में भी जाओगे अभी भी बहुत लोग कास्ट में विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत हद तक सोसाइटी में बदलाव भी आया है, ऑल थैंक्स टू मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही इंजीनियर बनते हैं. इंजीनियर तो सब कास्ट के लोग बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, आईएएस भी बनते हैं, फैशन ब्लॉगर्स भी बनते हैं, राइट. सो देयर इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. जो पुराना रिजिड ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर था लोग अब फॉलो नहीं करते हैं. पढ़ लिख के बहुत बदलाव आया सोसाइटी में. हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे पेरियार जैसे, भीमराव अंबेडकर जैसे, ज्योतिबा फूले जैसे, इन लोगों ने भी हमारी सोसाइटी में कास्ट को कम करने की बहुत कोशिश की है. लेकिन आज भी कास्ट है. लोग एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी करने में आज भी कतराते हैं. वो कतराहत क्यों है? क्योंकि कास्ट इज
still existing in India and so is caste-based discrimination. इसी तरीके से caste politics में भी है और politics caste में भी है. पहले caste कैसे politics में है वो जानते हैं. Politics तो पता है सबको, राजनीति, राजनीति में religion भी है, राजनीति में caste भी है, राजनीति में gender भी है. अभी caste की बात करते हैं. जब पॉलिटिकल पार्टीज किसी राज्य में या किसी जगह पे अपनी कैंडिडेट को सेटअप कर रही होती है ना, तो पहले उस जगह को पढ़ लिख लेती हैं कि यहाँ पे कौन से कास्ट ग्रुप के लोग ज्यादा हैं. तो जीतने की टेंडेंसी किस कास्ट ग्रुप से अपील करके ज्यादा मिलेगी वो वाले कैंडिडेट वो चूज करती हैं. इनफैक्ट जब सरकार बना ली जाती है तब भी ट्राई किया जाता है कि उस सरकार में एक पार्टी, एक जीती हुई रूलिंग पार्टी के जो 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 मिनिस्टर्स हों वो हर कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हों, ताकि किसी कास्ट ग्रुप को ऐसा ना लगे कि ये रूलिंग पार्टी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को फेवर करती है. तीसरा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स से ये भी बोल देती हैं कभी कभी कि कास्ट के नाम पे वोट मांगना है तो मांग लो. बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन कितनी जगह होता है कि कास्ट के नाम पे वोट मांगे जाते हैं. सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो खुल्लम खुल्ला कुछ कास्ट ग्रुप को फेवर करती हैं, कुछ कास्ट ग्रुप को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं. वी हैव ट्राइड कि इसमें इक्वालिटी आ जाए, बट पॉलिटिक्स इज सच कि इक्वालिटी आना मुश्किल है. देन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसी कोई भी इंडिया की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मतलब ऐसे कोई भी इंडिया की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को क्लियर मेजोरिटी मिली हो. इतना सब कुछ करने के बाद, पॉलिटिक्स में इतनी कास्ट को मिलावट करने के बाद भी हमेशा एक कास्ट ग्रुप के कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो उस कैंडिडेट को वोट नहीं करते. सिर्फ कास्ट के नाम पे वोट देने वाले तो सारे लोग एक कास्ट में नहीं हो सकते ना. कुछ लोग होते हैं जो लोगों का काम देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लोगों का बैकग्राउंड देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लोगों का शायद टेम्पर देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं. तो देर आर पीपल इन अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप हु डोंट गो जस्ट फॉर द कास्ट. एट द सेम टाइम देर इज अमीरी गरीबी का भेदभाव आल्सो. भाई एक कास्ट के अंदर कुछ अमीर लोग हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ गरीब लोग हैं. मिडिल क्लास लोगों को जो चाहिए वो गरीब लोगों से और अपर क्लास से बहुत ही डिफरेंट होगा. सिमिलरली गरीब लोगों की डिमांड बहुत अलग होगी, उनको कास्ट से कोई मतलब नहीं, उनको हंगर और एम्प्लॉयमेंट से मतलब है, राइट? तो वहां पे भी चीजें चेंज हो जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि एक सिर्फ एक कास्ट के नाम पे कास्ट को वोट बैंक देखा जाता है कि एक कास्ट का हमारे पास सपोर्ट है कि नहीं, इस कास्ट का हमारे पास सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन सिर्फ एक कास्ट के नाम पे अगर आप पॉलिटिक्स खेलोगे तो हारने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक कास्ट में से सारे लोग एक ही पार्टी को या एक ही कैंडिडेट को वोट करके नहीं आते. तो ये तो होगी पॉलिटिक्स में कास्ट. अब बात करते हैं कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स. कास्ट तो पता है, जाति, जाति में कैसे पॉलिटिक्स होती है? जाति में पॉलिटिक्स होती है अपने आप की असर्शन पावर बढ़ाने का. देखो डेमोक्रेसी में अलग 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 कम्युनिटीज है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, सब कुछ है. अब आप चाहते क्या हो कि डेमोक्रेसी में हमारी सुनी जाए, हमारी सुनी जाए, हमारी सुनी जाए. अब सुनने के लिए आपको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी. तो कई बार क्या करते हैं लोग, अपने कास्ट ग्रुप के आस पड़ोस वाली जो कास्ट ग्रुप होती है, अपने से नीचे वाली कास्ट ग्रुप, अपने से ऊपर वाली कास्ट ग्रुप, बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे, कास्ट हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बट अपनी सब कास्ट ग्रुप से अपने आप को एक मिलजुल के कर लेते हैं कि भाई हम साथ में काम करेंगे, जाके हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर हम अपने आप को असर्ट कर पाएंगे. देन व्हाट डू सम पीपल डू? सम पीपल गो इनटू कोलिजन. आपने कहीं देखा हो कि कभी कभी ना दो कास्ट ग्रुप की बातें आ रही होती हैं कि एक्स कास्ट एंड वाई कास्ट आर डिमांडिंग द गवर्नमेंट अबाउट दिस. अब दो अलग अलग कास्ट है, एक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वाई कास्ट, बट दे हैव कम टुगेदर एज अ गठबंधन टू मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट लिसन टू देम, राइट? देन हमारी डेमोक्रेसी की वजह से भी कई सारे नए कास्ट ग्रुप आ गए हैं. पहले तो चलो यही होते थे, ब्राह्मण्स, वैश्य और क्षत्रिय एंड ऑल ऑफ दैट. अब तो क्या है, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप डेमोक्रेसी की वजह से आ गए हैं, क्योंकि ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी हमने क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो हमने भी कास्ट में बहुत सारी पॉलिटिक्स डाल दी है, चाहे पॉजिटिवली डाली थी चाहे नेगेटिवली डाली थी, लेकिन आ तो गई है. सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर पॉलिटिक्स इन कास्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट रोल्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट गलत ही है, कभी कभी अच्छा रोल भी प्ले करती है. कभी कभी हम जब लोअर कास्ट ग्रुप को, डिसएडवांटेजेस कास्ट ग्रुप को जब हम पॉलिटिक्स में आने देते हैं तो उनसे पावर शेयरिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने के चांसेस तभी बढ़ेंगे जब तक हम कास्ट को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करते रहेंगे. तो कास्ट को झुकलाने से तो कुछ नहीं होगा, हमें कास्ट को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, लेकिन हम अगर कास्ट कास्ट ज्यादा करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी पीछे छूट जाएगी. देखो डेमोक्रेसी में और भी मुद्दे, रिलीजन भी है, जेंडर भी है, ना डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. तो सिर्फ कास्ट 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 करते रहेंगे तो फिर हम पीछे छूट जाएंगे, हम बाकी अटेंशन पे से हमारा, बाकी टॉपिक्स पे से हमारा अटेंशन थोड़ा सा हट जाएगा, और इससे वायलेंस होने के चांसेस हैं और टेंशन होने के चांसेस हैं. तो कास्ट को पॉलिटिक्स में एक पर्टिकुलर लेवल तक हमें तवज्जो देनी चाहिए, बट पूरी पॉलिटिक्स कास्ट के बारे में
नहीं बनाने चाहिए। तो दिस वॉज द चैप्टर, होप यू एंजॉय। आया समझ? मेरा 2 मिनट का ब्रेक है। आप एनटीएससी के लिए पढ़ाते हो क्या? पहले पढ़ाती थी, अभी तो नहीं पढ़ाती। मैम यू आर सो लकी, आई एम योर स्टूडेंट। इंडीड आई लव यू टू या मनीष। आपका मुंह दुख गया होगा बोलते बोलते। हाँ थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके पॉलिटिकल पार्टीज इट इज। पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं, 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। फंक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है, एक इकलौते फंक्शन पे भी सवाल आ सकता है, सारे फंक्शंस पे एक साथ भी आ सकता है। टाइप्स यानी वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, उस पर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आने के चांसेस हैं। चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, ये 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हो, अगेन 3 या 5 में आ सकता है। तो 1 घंटा इस चैप्टर की थ्योरी पे आप लगा सकते हो क्योंकि चैप्टर लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन पे भी आपको 1 घंटा लगाना है। 2 घंटे से ऊपर ये चैप्टर जो है इस वक्त आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करता है, तो 2 घंटे ही लगाना। या तो मेरी वन शॉट वीडियो देख लो या फिर नोट्स अपने निकाल के पढ़ लो, दोनों में से एक ही चीज पढ़ना और साथ में लगा लेना क्वेश्चन, टाइम पे हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। लेट्स गेट अहेड। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज वो मतलब एक ऐसा समुदाय है लोगों का जो एक साथ आके इलेक्शन में खड़े होकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को जाने चाहे नहीं जाने, सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर जानते हैं। तो दे आर वेरी पावरफुल मोड ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल नो अबाउट देम। पर फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे हमारे जैसे कंट्री में जहां पे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी कभी पार्टीज की वजह से सोसाइटी में डिविजन क्रिएट हो जाते हैं। उसी डिविजन को बोला जाता है पार्टीसनशिप। पार्टीशनशिप का मतलब जब सोसाइटी के पार्ट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टी को जानने वाले, समझने वाले या मानने वाले जो एक पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, वो दूसरी पार्टी के फॉलोअर्स के प्रति बहुत ज्यादा नफरत पैदा मतलब पाल लेते हैं। तो दैट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, सोसाइटी गेट्स डिवाइडेड, है ना। स्ट्रांगली कमिट होना एक पार्टी से कोई बुरी बात नहीं है, स्ट्रांगली कमिट होके किसी और पार्टी के मेंबर को नीचा दिखाना इज डेफिनेटली अ बैड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट। पार्टीज में 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं लीडर्स, जो पार्टी के मेंबर होते हैं। मेंबर होने के साथ साथ इनके पास पार्टी के अंदर इतनी पावर होती है कि ये पार्टी के मेजर डिसीजन लेते हैं। देन वी हैव एक्टिव मेंबर्स, ये पार्टी के मेंबर्स होते हैं लेकिन इनके पास लीडर जितनी पावर नहीं होती है। ये पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इनका सपना होता है एक ना एक दिन पार्टी से लीडर बन जाएंगे, ठीक है। फिर होते हैं फॉलोअर। बच्चा लीडर का मतलब मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर तो आप तब बनोगे जब आप इलेक्शन में जीतोगे, वो अलग गेम है। अभी लीडर का मतलब है कि आपके पास पार्टी के अंदर कितनी पावर है। फिर होते हैं फॉलोवर, हम जैसे आप जैसे लोग जो पार्टी को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं दूर से। हम पार्टी के अंदर जाके काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सपोर्ट अपना करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बट फंक्शंस हमारे पास 7-8 है। पहला फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं। इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करके वो जीतने की कोशिश करती हैं और जीत जाती हैं तो फिर सरकार बनाती है। पार्टीज जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पुट फॉरवर्ड करती हैं। जब कैंपेनिंग हो रही होती है इलेक्शन की तो पार्टीज क्या करती हैं, सड़क बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वो अपनी पार्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स बताते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे। फिर अगर आपको वो चीजें अच्छी लगे तो आप उन्हें जिता दो, नहीं अच्छी लगे तो मत जिताओ। पार्टीज एक बार जीत जाती हैं तो वो देश के लिए लॉज बनाती हैं। भाई लॉज कहां बनते हैं हमारे देश के, क्या सुप्रीम कोर्ट बनाता है लॉज? नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉज की रक्षा करता है। लॉज बनाते हैं हमारे मिनिस्टर्स यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स किसी ना किसी पार्टी को तो बिलोंग करते ही हैं, राइट। पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जब एक बार सरकार बन जाती है तो वो लोगों के हित के लिए बहुत सारी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत करते हैं बट सरकार भी चलाते हैं। अगर एक पार्टी हार जाती है तो वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है। जीतने वाली पार्टी रूलिंग पार्टी, हारने वाली पार्टी ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जीती हुई पार्टी रूलिंग पार्टी की चीजों पे निगरानी रखती है। अगर रूलिंग पार्टी कोई गलती करती है तो ऑपोजिशन पार्टी उसे क्रिटिसाइज करती है और ये उसका डेमोक्रेटिक अधिकार है।
पार्टीज जो है लोगों का ओपिनियन शेप करती हैं। कोई भी मुद्दा चल रहा हो भाई, आसाम में कोई मुद्दा चल रहा है वो हरियाणा के लोगों को नहीं पता, और हरियाणा में कोई मुद्दा चल रहा है वो भोपाल के लोगों को नहीं पता, तो पार्टीज उन मुद्दों को उठाती हैं, मीडिया में उनके बारे में बात करती हैं, एक आर्गूमेंट क्रिएट करती हैं, और डेमोक्रेसी में फिर उन मुद्दों से लोगों का ओपिनियन शेप होता है। देन पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट। कई सारे लोग हैं जिन्हें पार्टी के मेंबर्स से ज्यादा प्यार होता है, बल्कि सरकारी दफ्तरों में उन्हें जाने से डर लगता है। सब लोग हम आपकी तरह फॉर्चुनेट नहीं होते हैं कि स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इतने इलिटरेट होते हैं कि उन्हें बैंक में जाने से घबराहट होती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से घबराहट होती है। बट दे डू इज दे गो टू देयर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर एंड दे आस्क देम कि यार हमें हमारी कोई वेलफेयर स्कीम चल रही है, कोई यू नो विधवा पेंशन प्लान था हमारा, यहाँ पे कुछ छूट गया है, या आप हमारा काम करा दो ना। तो दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द कंट्री एंड द पुअर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, हमारे देश में कितनी पार्टीज हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जो डेमोक्रेसी का ढोंग करते हैं, जैसे कि चाइना, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है जिसके जीतने के चांसेस हैं, यानी पार्टी एक है। कुछ देश हैं जहां पे दो मेजर पार्टीज हैं जिनके जीतने के चांसेस हैं, जैसे कि यूएसए जहां पे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, और सॉरी यूके लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और यूएसए। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका में दो ही मेजर पार्टीज हैं जो कभी कोई सरकार बनाता रहता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज है। अब हमारे यहाँ देखते हो नेशनल पार्टी 7 है, अभी आप आगे पढ़ोगे, एक्चुअली गूगल पे 8 दिखाता है, हमारे सिलेबस में 7 है। तो वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई? बिकॉज वी हैव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो वी नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। इसलिए हमारा वन पार्टी या टू पार्टी में काम नहीं चलेगा, हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी ने चूज किया है कि हमें मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए। पहले थोड़ी सा मल्टी पार्टी सिस्टम, हम इवॉल्व ही ऐसे हुए हैं, राइट? नाउ रिकॉग्नाइज पार्टीज की बात करते हैं। देखो सारी पार्टीज हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन के साथ अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। आप स्कूल जा रहे हो, आप टॉपर बनो ना बनो, लेकिन स्कूल में आपको दाखिला कराना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सारी रजिस्टर्ड पार्टीज टॉपर नहीं बनती हैं, जो टॉपर रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं उन्हें बोला जाता है रिकॉग्नाइज पार्टीज। ये वो पार्टीज होती हैं जो स्टेट लेवल पे या तो बहुत फेमस हो जाती हैं या नेशनल लेवल पे बहुत फेमस हो जाती हैं। क्या क्राइटेरिया होता है फेमस होने का वो मैं बताऊंगी, लेकिन जब आप एक स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बन जाते हो तो आपको इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल जगह दे देता है, उस स्पेशल जगह को बोला जाता है रिकॉग्नाइज पार्टीज। तब आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती। जैसे कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल है हाथ, वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट यूज करेंगे क्योंकि वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, राइट? सिमिलरली बीजेपी का है कमल का फूल, तो वो बीजेपी के मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं। तो आपको एक यूनिक सिंबल मिलता है, आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं व्हेन यू बिकम अ नेशनल और अ स्टेट पार्टी। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है, स्टेट के लिए अलग है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे जरूर पढ़ के जाना पेपर से एक दिन पहले। स्टेट पार्टी का पढ़ते हैं पहले। स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको स्टेट के इलेक्शन में या तो 6% वोट हासिल करने हैं, और इसके साथ साथ 6% वोट किसी स्टेट के इलेक्शन में हासिल करने के साथ साथ आपको 2 सीट्स लेनी है एज स्टेट पार्टी, तब आप बन जाओगे स्टेट पार्टी, ठीक है? नेशनल पार्टी के लिए आपको या तो 6% लोकसभा इलेक्शन में यानी कि जनरल इलेक्शन में वोट इकट्ठे करने हैं, या फिर किसी 4 विधानसभा इलेक्शन जीतने, समझ रहे हो आप? इन दोनों में से कोई एक चीज, या तो लोकसभा में 6% सीट इकट्ठी कर लो, या तो किन्हीं 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल कर लो, इन दोनों में से कोई एक चीज प्लस लोकसभा में 4 सीट्स, तब जाके आप बनते हो नेशनल पार्टी। बच्चा रट्टा मारना है इसका, रट्टा मार लो। बच्चे लास्ट दिन तक बोलते रहते ये समझ नहीं आया, रट्टा मार लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो। बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली नेशनल पार्टी वाला, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पहले वाले स्टेप में चॉइस है, दूसरा वाला स्टेप मैंडेटरी है, ठीक है? चलो अब पार्टीज पढ़ते हैं हम। पहली पार्टी है हमारे पास AITC। AITC का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तृणा का मतलब 3, मूल का मतलब फ्लावर। तो इसका आप सिंबल देखते हो तो उसमें 3 पत्तियों वाला एक फूल दिखा है, और उन 3 पत्तियों में हमारे तिरंगे के रंग है, राइट? ये पार्टी ममता बनर्जी के लीडरशिप में अभी राज कर रही है वेस्ट बंगाल में। 1998 में बनी थी ये पार्टी। सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है और फेडरलिज्म में विश्वास रखती है। वेस्ट बंगाल और आसपास की स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस अच्छी है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन, बहुजन का मतलब होता है बच्चा अदर जन, अदर जन का मतलब पीपल, राइट? तो बहुजन समाज पार्टी सोसाइटी के जो पिछड़े सेक्शन है उनके लिए ज्यादा अच्छे से काम करती है, जैसे कि दलित सेक्शन, आदिवासी सेक्शन, ओबीसी सेक्शन या रिलीजियस माइनॉरिटी। काशीराम जी के नेतृत्व में ये पार्टी शुरू हुई थी 1984 में। अभी इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स में आप बहुत सारे अलग अलग लीडर्स देखते हो। बहुजन पार्टी अब अलग अलग गठबंधन भी बनाने लग गई है। यूपी में इसकी प्रेजेंस काफी अच्छी है, काफी बार यूपी में ये जीती भी है, और सीएम जो है यूपी के वो इससे बने हैं या बनी है,
ठीक है, पार्टी का सिंबल है ये नीले रंग के ऊपर ये सफेद रंग का हाथी। नेक्स्ट इज योर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिसे आप बीजेपी बोलते हो वो हमेशा से बीजेपी नहीं कहलाती थी एक्चुअली, 1980 में इसका दोबारा से नामकरण हुआ था, 1980 से पहले ये कहलाती थी भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे बनाया था 1951 में, लेकिन तब बीजेपी नहीं कहलाती थी, तब भारतीय जनसंघ कहलाती थी, BJS, ठीक है। और इसमें क्या है, ये पार्टी हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व में विश्वास रखती है और यूनिवर्सल सिविल कोड में रखती है। ये पार्टी अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में फिर से जीत गई थी और एनडीए की जो सरकार चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो देश में इस बार गठबंधन की सरकार बनाए बैठा है, उसमें बीजेपी लीड कर रही है, राइट। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर पार्टी, क्योंकि एनडीए की सरकार में बीजेपी लीड कर रही है। तो बीजेपी का सिंबल होता है ये कमल का फूल। देन वी हैव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आप लेफ्टिस्ट पार्टी भी बोलते हो, ये मार्क्सिज्म, मार्क्स की आइडियोलॉजी में, लेनिन की, लेनिन रशिया वाला, लेनिन की आइडियोलॉजी में सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, पार्लियामेंट हो डेमोक्रेसी में, इस चीज में भी विश्वास रखती है। ये ऐसी स्टेट्स में है जहां पे कम्युनिज्म की प्रेजेंस अच्छी है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा पंजाब, तमिलनाडु, ऑल ऑफ दैट। इसका सिंबल हमेशा रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली जो लेफ्टिस्ट पार्टीज होती हैं दुनिया की, वो रेड कलर के सिंबल्स अपनाती हैं। आप वहां रशिया के भी देखोगे तो भी वहां पे आप रेड कलर देखोगे, चाइना भी देखोगे तो आप रेड कलर देखोगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सिंबल है ये सिक्कल, जिसके पीछे धान बनी हुई है। 1925 में बनी थी, बाद में इस पार्टी में खंडन हो गया था, पार्टी में खंडन हो गया था और सीपीआईएम अलग हो गई थी किसी बात पे अलगाव की वजह से। तो 1964 में सीपीआईएम से सीपीआईएम, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, अलग हो गई। और इसका झंडा है ये हथौड़ा और सिक्कल। ये पार्टी जो है वर्कर्स और फार्मर्स के राइट्स के लिए काम करती है। वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में अच्छी पकड़ है इसकी। कम्युनलिज्म में पैरलिज्म और कैपिटलिज्म में बिल्कुल विश्वास नहीं है इसका, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में विश्वास है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो सोसाइटी में, इस चीज के लिए काम करते हैं। थोड़ी सी रेडिकल पार्टीज में आती है, सीपीआई से ज्यादा रेडिकल अगर आप बोलोगे तो सीपीआईएम पार्टी है। एंड सीपीआई की प्रेजेंस पहले इंडिया में अच्छी होती थी, धीरे धीरे इसकी प्रेजेंस जो है इंडिया में थोड़ी सी लो होती जा रही है। देन वी हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, जिसे प्यार से कांग्रेस पार्टी बोला जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सेंटर में यही पार्टी जीती थी 1977 तक हर बार, फिर 1980 से 1989 तक भी यही पार्टी जीती है सेंटर में सिर्फ। और इसका चुनाव चिन्ह है ये तिरंगे के ऊपर बना हुआ हाथ, राइट। अभी धीरे धीरे इसकी प्रेजेंस जो है इंडिया में कम होती हुई हमने देखी है इन द लास्ट 4-5 years, नॉट 4-5 एक्चुअली 7-8 years। देन वी हैव नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में से ही एनसीएम अलग हो गई थी 1999 में। ये गांधीनियन सेकुलरिज्म और इक्वालिटी में विश्वास रखती है। ये क्यों अलग हुई थी नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि इसका मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जैसे एक ही खानदान के लोग हमेशा नेशनल कांग्रेस को हेड करते हैं, वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसने अलगाव कर लिया था। 2004 से ये यूपीए का मेंबर है। देखो हमारे देश में तीन मेजर अलायंसेज हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट। तो यूपीए की मेंबर है, यूपीए को लीड कौन करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अलग हो गई है फिर भी अभी यूपीए में है, चलो ठीक है। स्टेट पार्टीज क्या होती है, ऐसी पार्टीज जो किसी स्टेट में प्रेजेंस रखती हैं उसे आप स्टेट पार्टीज बोलते हो, इनको आप प्यार से रीजनल पार्टीज भी बोलते हो। 1990 के दशक से पहले जब फेडरलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं था तो स्टेट पार्टीज को थोड़ा सा कम रिस्पेक्ट मिलता था, 90 के दशक के बाद स्टेट पार्टीज को हम इंक्लूड करके चलते हैं। अब कुछ स्टेट पार्टीज हैं जो अपने स्टेट के कल्चर से बहुत ज्यादा एफिनिटी रखती हैं, जैसे कि आसाम की पार्टी हो गई या मणिपुर की पार्टीज हो गई, और कुछ पार्टीज हैं जो अपनी स्टेट में काम करने के साथ साथ बाकी स्टेट में भी काम करना चाहती। नेक्स्ट वी हैव चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पहला चैलेंज है कि पार्टीज के अंदर बहुत डेमोक्रेसी की कमी है, पार्टीज के अंदर कौन क्या डिसीजन ले रहा है पता ही नहीं होता, पार्टी के अंदर जो भी बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है वो बिना किसी इलेक्शन के दे दी जाती है किसी ना किसी को, लीडर्स के पास एक्स्ट्रा पावर होती है, एक्टिव मेंबर से काम करवाया जाता है उनका, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, औरतों को जो है जगह नहीं दी जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। डायनेस्टिक सक्सेशन है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें एक खानदान की ही रूलिंग हम देखते हैं, उसी खानदान के बार 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 जो वारिस होते हैं वही उस पार्टी को हेड करते रहते हैं। डायनेस्टी मतलब एक ही खानदान से सक्सेशन है, बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आप उस पार्टी में हेड कर रहे हो। मनी एंड मसल पावर, कई बार पार्टीज जीतने के चक्कर में बहुत सारे गुंडों को हायर कर लेती हैं या बहुत सारे कॉर्पोरेट से पैसा उठा लेती हैं इलेक्शन को फंड कराने का, और ये काफी गलत चीज है। चौथा है मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, सारी पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम होते हुए भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक जैसी हैं, एक जैसी बातें करती हैं, एक जैसा करप्शन है, एक जैसे उनके लीडर्स हैं, तो वोटर्स के पास कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, हम किसी को भी चूज कर ले मोर और लेस सरकार जो बननी है वो करप्ट ही बननी है, तो मीनिंगफुल चॉइस नहीं है।
देन हाउ कैन द पार्टीज बी रिफॉर्म. कुछ चीजें हमने की हैं पार्टीज में ये बदलाव लाने के लिए, कुछ चीजें हैं जो हम और कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था. पहले क्या करते थे लोग, एक पार्टी से जीत जाते थे, बाद में गद्दी पे बैठे बैठे पार्टी को चेंज कर लेते थे, इसे डिफेक्शन बोला जाता था. सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया, बोला कि अगर आप एक पार्टी से जीते हो और गद्दी पे बैठे हो तो तब तक उसी गद्दी पे बैठे रहो, तब तक उसी पार्टी में रहोगे जब तक आप गद्दी छोड़ नहीं देते. अगर आपको पार्टी बदलनी है तो गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी. तो एंटी डिफेक्शन मतलब पार्टी छोड़ के आप गद्दी पे बैठे बैठे नहीं जा सकते. फिर हमने प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स भी मांगी है. अब हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट बनता है उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, उसकी एक एफिडेविट सबमिट होती है ताकि हमें पता चले कि हमारा कैंडिडेट आखिर है कौन ना. देन वी हैव इनकम टैक्स रिटर्न. पहले पॉलिटिकल लीडर्स का इनकम टैक्स तो चलो होता ही है नॉर्मल सिटीजंस की तरह, लेकिन पार्टीज का भी इनकम टैक्स फाइल होता है ताकि पार्टीज के पास कितना पैसा है उसकी भी हो. देखो ये कहने की बातें हैं लेकिन फिर भी बहुत घपले होते हैं इसमें. कितने सारे हमारे आज के भी मिनिस्टर्स हैं या पहले के भी मिनिस्टर्स हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं फिर भी वो देश में राज किए बैठे हैं. तो बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई ये चीजें, इसलिए और भी कुछ करने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी. हमें सबसे पहले तो पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, पार्टीज के अंदर औरतों के लिए सीट रिजर्व करनी चाहिए. जब तक पार्टीज में औरतें नहीं दिखेंगी तब तक पार्लियामेंट में भी नहीं दिखेंगी. स्टेट की फंडिंग होनी चाहिए पार्टीज के लिए ताकि बहुत बड़ी पार्टी, अमीर पार्टी इलेक्शन में बहुत सारा पैसा लगा के जीते ना, सारी पार्टीज के पास एक फेयर चांस हो इलेक्शन में जीतने का. एज सिटीजन्स, एज डेमोक्रेटिक सिटीजन्स, हमें भी पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डालना चाहिए क्योंकि देखो वोट तो हमने ही देना है, पार्टी सुनती तो हमारी ही है. तो जब तक हम पार्टीज के गंदी चीजों पे फ्लैशलाइट नहीं मारेंगे तब तक कोई काम नहीं चलेगा. बहुत सारे आप इंटरनेट पे आजकल लोग देखते होंगे जो किसी पार्टी के बारे में आप कुछ भी बोलो बहुत जल्दी भनक जाते हैं, बहुत जल्दी गाली गलौज करने लगते हैं, बहुत जल्दी यू नो मारपीट पे उतर आते हैं, धमकियां देने लगते हैं, घर गा के मारेंगे, ऑल ऑफ दैट चलते रहता है. ये गलत है क्योंकि जब तक आप किसी की अच्छाइयों और बुराइयां जानोगे नहीं, जब तक आप टिप्पणी नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता कि कोई इंसान अच्छा है. क्या आपका किसी पार्टी पे विश्वास इतना कमजोर है कि किसी और का बोला हुआ कोई तर्क आप सुन नहीं सकते? नहीं, फिर तो वो अंधा विश्वास है, राइट? सो इसीलिए डेमोक्रेसी की पावर है डिबेट एंड डिस्कशन. नेक्स्ट, तो दिस वॉज द चैप्टर, गिव मी 2 मिनट्स. लास्ट चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. हाय टीचर थक गई. मार्क्सिज्म मतलब कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी बच्चा उसे मार्क्सिज्म बोलते हैं. कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा तड़का लगा दिया था लेनिन ने, वाल्डेमार लेनिन रशिया वाला, उसे लेनिनिज्म बोलते हैं. गलती से आपने SST ले ली 11th 12th में या मास्टर्स में या बैचलर्स में तो आपको ये सब बहुत पढ़ने को मिलेगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से कैसे डिफरेंट है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, CPIM वर्सेस CPI बता दो. देखो CPI पुरानी है, CPIM जो है CPIM CPI का एक खंडन है. CPI बनी थी 1925 में और 1964 में बनी थी CPIM. CPI जो है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस में नहीं विश्वास रखती है, CPIM सोशो इकोनॉमिक जस्टिस में भी विश्वास रखती है. दोनों का चुनाव चिन्ह भी अलग है ना. आयुष कह रहा है मैम कॉपी लेके बैठे करना क्या, ये नोट डाउन करो यार छोटे छोटे पॉइंट्स, और क्या करोगे कॉपी लेके, मेरी फोटो थोड़ी बनाओगे. वैसे तो मैं PDF दे दूंगी पर जो छोटे छोटे पॉइंट तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो स्लाइड पे नहीं लिखे लेकिन मैं बोल के पढ़ा रही हूँ वो कौन नोट डाउन करेगा, बदमाश. प्लीज एक्सप्लेन लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट पार्टीज. बच्चा ये पुराने जमाने की विश्वास है. देखो राइटिस्ट पार्टीज होती हैं जो यूजली दो एक्सट्रीम है, जैसे एक स्केल आप देखते हो जो आप बोर्ड एग्जाम में यूज करते हो उसके एक साइड 0 लिखा होता है, उसके एक साइड 15 लिखा होता है, राइट? उसी तरीके से पॉलिटिक्स में कुछ पार्टीज होती हैं जो लेफ्ट आइडियोलॉजीज को ज्यादा फॉलो करती हैं. लेफ्ट आइडियोलॉजी में आप मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को मानते हो, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है ये पूरी दुनिया की बात होगी. कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो कल्चर पे ज्यादा फोकस करती हैं, कल्चर पे, रिलीजन पे, नेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस करती हैं, तो उन्हें आप राइटिस्ट पार्टी मानते हो. कुछ पार्टीज होती हैं जो सेंटरिस्ट पार्टी होती हैं जो थोड़ी सी चीजें यहां से भी लेते हैं और थोड़ी सी चीजें यहां से भी लेते हैं. जैसे ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह मीडिया में बोला जाता है कि BJP जो है एक राइटिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक लेफ्टिस्ट पार्टी है और कांग्रेस जो है वो एक सेंटरिस्ट पार्टी है. तो इस तरीके की पार्टियों की विचारधारा, पार्टीज के पुराने मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड से आप पार्टीज को क्लासिफाई करते हो एंड दिस इज अ यूनिवर्सल सिस्टम. इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैं पीडीएफ में डाल रही हूँ, वन मार्कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें assertion reasoning है, एक दो केस बेस क्वेश्चन भी है, करना जरूर ठीक है। चलो लास्ट चैप्टर भी कर लेते हैं जल्दी से, फिर तुम्हारी टीचर खाना खाएगी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, जो पहले पेज पे ही मिल जाता है आंसर। इसकी ना इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टून कार्टून वाला लेक्चर जरूर देख लेना, मैं ना टाइप करना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन शुभम पाठक आ जाएगा। फिर डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव या लेजिटमेट बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। डेमोक्रेसी का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सिटीजन्स की डिग्निटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दैट। फिर सिटीजन्स की डिग्निटी में आप दो चीजें पढ़ते हो, एक रिजर्वेशन वाला पॉइंट, एक औरतों वाला पॉइंट, वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट में इसका लेक्चर देखो 2x स्पीड पे, और फिर 45 मिनट में इसके क्वेश्चन लगा लो। दिस इज द चैप्टर जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस लगाओगे, सिर्फ क्वेश्चंस तो भी 90 से ऊपर आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर की थ्योरी पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम क्वेश्चंस लगा ले तो ज्यादा बेटर है ठीक है। फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो डेमोक्रेसी बाकी तरीके की सरकारों से अच्छी क्यों है, मोनार्की या डिक्टेटरशिप से, क्योंकि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी मिलती है, एटलीस्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है, बाकी कोई इक्वालिटी मिले ना मिले पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है। इंडिविजुअल की सम्मान की रक्षा की जाती है, डिसीजन की क्वालिटी जो है देर आती है लेकिन दुरुस्त आती है, क्वालिटी अच्छी आती है, क्योंकि सारे समुदाय की बातों को सुना जाता है, सारे कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाता है। अगर दो बर्तन खटक गए डेमोक्रेसी के अंदर, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई लड़ाई हो गई है तो संविधान बताता है उसे सुलझाना कैसा है। और अगर कोई गलती हो गई है, सरकार से कोई गलत प्रोग्राम पॉलिसी बन गई है, तो उस प्रोग्राम और पॉलिसी को रिवर्स करने का रूम होता है। देखिए राजा क्या करता है, राजा ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, राजा कभी मानेगा ही नहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया, नहीं डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। इफ यू हैव डन अ मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट राइट ना। इस डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, इससे पहले क्या बोले डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, पहले जान तो लें अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिए जा सकते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ टीचर, एम आई अकाउंटेबल फॉर योर मार्क्स और नॉट, टू सम एक्सटेंट आई एम। मैं पढ़ाऊंगी नहीं जब तक अच्छा तब तक आपके मार्क्स कैसे आएंगे। अच्छा अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप अपने मार्क्स के लिए अकाउंटेबल हो? बिल्कुल हो, आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे राइट। क्या आपके पेरेंट्स आपको अच्छी अपब्रिंगिंग देने के लिए अकाउंटेबल है? बिल्कुल है भाई, वो जब तक अच्छे से पेरेंटिंग नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अच्छे से अच्छे अडल्ट बनोगे राइट। अब इसमें चीजें इधर उधर जा सकती हैं, बट वी आर अकाउंटेबल एज एज आर रोल्स। सिमिलरली क्या डेमोक्रेसी अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? द आंसर इज बाकी तरीकों की सरकार से अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ज्यादा अकाउंटेबल है। हाँ माना कि डिक्टेटरशिप या मोनार्की में डिसीजन जो है बड़ी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन देर से आते हैं लेकिन बहुत सारी डेलिबरेशन और नेगोसिएशन के बाद आते हैं, मतलब कि डिस्कशन और डिबेट के बाद आते हैं। पार्लियामेंट में लोग करते क्या है, डिस्कशन डिबेट ही करते रहते हैं टेबल पे हाथ मार मार के, है ना। तो डिस्कशन और डिबेट बहुत होती है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो मन से नहीं लेती। राजा का क्या है, मन से कुछ भी कर देगा, डिक्टेटर का क्या है, मन से कुछ भी कर देगी, लेकिन डेमोक्रेसी में जो भी चीजें होती हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो संविधान को साथ में रख के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके लिए जाते हैं, तो हम अकाउंटेबल तो हैं। ट्रांसपेरेंसी का क्या बात होता है? देखो अकाउंटेबिलिटी का एक और पहलू होता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो अगर वो चोरी छुपे कर रहे हो तो हमें क्या पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हो वो बता के कर रहे हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, तो फिर भी हमें पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है मामला। तो इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी होती है उसमें फिर भी थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, डिक्टेटरशिप मोनार्की में कोई पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ठीक है। जैसे कि हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, हम चाहें तो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से बोल सकते हैं कि आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया। अनोनिमस तरीके से भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक एफिडेविट आपको डालना होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपको एक लेटर लिखना होता है आरटीओ ऑफिस में, राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की ये ऑफिस होता है, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आरटीओ ऑफिस बनाने का प्रावधान है। आप वहां पे चिट्ठी डालो अनोनिमस तरीके से और आपको आंसर आ जाता है एक महीने या सो टाइम में कि हाँ ये क्यों है। लेकिन कहने की बात है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, इसमें भी कितने सारे सवाल पूछे गए हैं सरकार से, सरकार जवाब नहीं देती। तो ट्रांसपेरेंसी है जरूर डेमोक्रेसी में, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में है कमी। सरकार कुछ चीजें तो बता देती है लोगों को, कुछ चीजें नहीं बताती है। सारी चीज, सारे डिसीजन क्यों लिए गए, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, बाकी सारा पैसा कहाँ चला गया, सरकार सब बताती है क्या? नहीं, कभी नहीं बताती, कोई भी सरकार नहीं बताती। ट्रांसपेरेंसी इज देयर बट नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट ठीक है। Then, is democracy responsive? Responsive का मतलब क्या? डेमोक्रेसी
लोगों की जरूरतों के प्रति अपने आप के आवाज उठाती है? द आंसर इज बाकी सरकारों से थोड़ी सी ज्यादा उठाती है, बट इतनी भी नहीं उठाती। डेमोक्रेसी भी देखो करप्ट है, मानना तो पहले ये पड़ेगा कि कोई भी तरीके की सरकार करप्ट तो है। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो करप्शन डेमोक्रेसी में भी है बल्कि बहुत ज्यादा ही है, और लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो ज्यादा ख्याल रखा जाता है, इलेक्शन चले जाते हैं तो कम ख्याल रखा जाता होता है। कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का ज्यादा ख्याल रखते हैं, कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का नहीं रखते हैं। कुछ पर्टिकुलर रिलीजन की तारीफें बहुत होती हैं, पर्टिकुलर रिलीजन की तारीफें कम होती हैं। तो रिस्पॉन्सिव है बट सिलेक्टिवली रिस्पॉन्सिव है। देन क्या डेमोक्रेसी लेजिटिमेट है? इस सवाल का आंसर शत प्रतिशत यस है। क्यों? क्योंकि बाकी सरकारें जो है वो तो हमने चूज ही नहीं की ना। हमने थोड़ी चूज किया राजा कौन बनेगा, हमने थोड़ी चूज किया डिक्टेटर कौन बनेगा। डिक्टेटर तो डिक्टेटर बन गया, जैसे कि हिटलर। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज। जायज वही चीज होती है जो आपकी इच्छा से होती है। तो डेमोक्रेसी में आप वोट दे के आते हो, आप वोट दे के आते हो तो सरकार बनती है। तो डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली जायज है, डेफिनेटली लेजिटिमेट। ठीक है जी, तो ये तो हो गई बातें। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा देखा गया है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा डेटा बोल रहा है कि जिन देशों में डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है वहां पे डेमोक्रेसी के मुकाबले थोड़ी सी ही सही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लग जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी पीछे छूट जाती है। और अगर होती भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी में, तो अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, मिडिल क्लास पे कभी कभी थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जाता है। ठीक है जी। Then we have reduction of inequality and poverty. Inequality यानी कि discrimination दो तरीके का होता है, बहुत तरीके हैं, पर अभी दो तरीके का बताते हैं। एक political equality, एक economic equality. Political equality democracy में पूरी पूरी होती है क्योंकि सबको voting का अधिकार है। कोई caste के नाम पे, color के नाम पे, gender के नाम पे ऐसा नहीं है कि आपको voting नहीं देंगे, आपको voting दे देंगे। पहले होता था राजा के राजपाट में, democracy तो बनी ही इस पे है कि political equality हो। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। आज भी आपको सिग्नल पे देश में गरीब दिख जाएंगे, आज भी आपको देश में टाटा और अंबानी दिख जाएंगे। तो इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी इज ऑलवेज देयर, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। हो जाएगी तो ठीक है, बट होती नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर जो अमीरियत है वो थोड़े से लोगों के पास होती है, पूरी दुनिया की वेल्थ, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे ना हो। और दुनिया का 50% जो गरीब हिस्सा है वो बहुत छोटा सा पिज्जा खा रहा है क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे हैं। तो दिस इज बेसिकली शोइंग कि दुनिया की वेल्थ कुछ कम से लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड डेमोक्रेसी इज नॉट एबल टू चेंज इट। देन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी बहुत अकोमोडेट करती है क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी के लिए डिसीजन लिए जाएंगे। आप बोलोगे श्रीलंका में तो हो रहा था, तभी तो बोल रहे हैं श्रीलंका वॉज अ बैड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के ओपिनियन की सिर्फ बातें नहीं सुनी जाती, मेजोरिटी हो गए घर पे हो गए, लेकिन माइनॉरिटी को भी साथ लेके चला जाता है। और डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के रूल का मतलब ये नहीं है, हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी में मेजोरिटी जिसको वोट देती है वही जीतते हैं, वहां पे मेजोरिटी का मतलब ये थोड़ी होता है मेजोरिटी कास्ट या मेजोरिटी रिलीजन। वहां पे मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी वोटर्स। मेजोरिटी वोटर्स तो किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। जिसने जिस जीतने वाली पार्टी को वोट दिया वो मेजोरिटी वोटर हो गया। तो मेजोरिटी इज रूल, डेमोक्रेसी इज डेफिनेटली मेजोरिटी इज रूल, बट दैट मेजोरिटी डज नॉट मीन अ मेजोरिटी कम्युनिटी, इट मींस मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स, एंड एनीबॉडी कैन बी द मेजोरिटी वोटर। आज आपकी सरकार नहीं बनी, क्या पता कल बन जाएगी। आपने जिसको वोट दिया वो पार्टी आज हार गई, क्या पता कल जीत जाएगी, राइट? देन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेफिनेटली लोगों की डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी बनी ही इस पे है। राजा और डिक्टेटर तो किसी की डिग्निटी का ख्याल रखते नहीं थे। पहले औरतों को वोटिंग राइट नहीं मिलता था, फ्रांस में तो जो आदमी थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्हें भी वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता था। डेमोक्रेसी बनी ही इसीलिए ताकि सबको जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। तो डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है, ये दो तरीके से किया जाता है। पहली बात तो लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और दूसरा मेजर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ऐसा नहीं है कि औरतों के खिलाफ हमारे देश में अत्याचार नहीं होते या डेमोक्रेटिक देशों में अत्याचार नहीं होते, लेकिन कम से कम अब अत्याचार हो रहे हैं। हमें ये तो पता है कि ये अत्याचार गलत है या नहीं है। ये गलत और सही का जो पैरामीटर हमारे पास कहां से आया? क्योंकि हमारे पास संविधान है, संविधान डेमोक्रेसी में होता है। तो हमें पता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज लॉ से अबाइडिंग है, ये चीज लॉ के अगेंस्ट है, राइट? सो दिस कॉन्फिडेंस दैट वी हैव गॉटन that something is right or something is wrong, that caste-based discrimination is wrong or gender-centric division of labor is wrong, we have gotten this because we have democracy.
दूसरा मेजर्स बनाते हैं, हमें जब दिखता है कि कोई कम्युनिटी थोड़ी सी पिछड़ी है, चाहे वो कोई कास्ट ग्रुप है या कोई लैंग्वेज है या कोई रिलीजन है, तो हम क्या करते हैं, या कोई जेंडर है, तो हम उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं, राइट। औरतों के प्रति अत्याचार पहले भी होता था, आज भी होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन आज हमें पता है कि ये गलत है, आज एटलीस्ट हमें पता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वी हैव अ संविधान, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज वॉट इट मीन्स। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज लाइक करना मत भूलना, तुम्हारी टीचर इसके पास जाके स्ट्रेप्सिल खाने वाली है। एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन टेल मी कि खड़े होके क्यों नहीं पढ़ाते हो, इसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको रीजन बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल सा। मेरे पास स्टूडियो नहीं है, आप ये जो खड़े होके पढ़ाने वाली वीडियोज देखते हो इसमें बहुत पैसा लगता है, मतलब आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, टू मेक अ स्टूडियो इट रिक्वायर्स, अगर आप थोड़ी गंदी क्वालिटी का स्टूडियो बनवा रहे हो इट रिक्वायर्स 6 लाख रुपीज, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टूडियो बना रहे हो तो 10 से 12 लाख में वो स्टूडियो बनता है। आपको एक पूरे कमरे की साउंड प्रूफिंग करानी होती है, वो भी आप सिर्फ अपने घर में करा पाते हो, किराए के घर में रह रहे हो तो कोई आपको साउंड प्रूफिंग कराने नहीं देता, दीवारें खराब करने नहीं देता, ठीक है, या नहीं देती, तो साउंड प्रूफिंग करा रहा आप अपने घर में कराते हो, मैं किराए के घर में रहती हूँ। अब साउंड प्रूफिंग कराने में, लाइटिंग खरीदने में, DSLR खरीदने में और वो पूरी बड़ी स्क्रीन खरीदने में इस समय बहुत पैसा लगता है। एंड आई हैव नेवर बीन एबल टू थिंक कि कोई चीज़ जो आसानी से दी जा सकती है, जिसमें मेरे खड़े होने या बैठने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो काफ़ी क्लियर है यहाँ पे भी, उसने मैं इतना डिस्ट्रिक्ट कैसे करूँ, पहले तो मैं एक घर खरीदूँ, फिर मैं उसमें स्टूडियो सेटअप करूँ, पहली बात तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ, ठीक है। तो that's why I don't have a studio setup and I'm really sorry if that bothers you, but there is not much I can do about it. What I can do is I can think about taking a loan and maybe investing in a studio. That is a personal decision that I have to make and let's see what happens. Anyway, तो आज मैं ये सारे के सारे chapters के important questions भी दे रही हूँ बच्चा, ये मैंने 1 mark का question है, तो PDF में से PDF को download करना मत भूलना, and I'll see you next time with ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का पूरा फुल रिवीजन, ठीक है। हाँ जी, मेरा टेलीग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी कर सकते हो आप यूज। आई नो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्वेश्चन अनु बच्चा आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप टाइप करो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे मेरे नाम से। Thank you, thank you, thank you. Take care and I love you all and all the best for your exam and I'm sure you guys are gonna nail it.